Assalamualaikum, ji, Welcome back to an episode of Kagayakazi. My guest today was Nabil Akbar. Nabil Akbar is a rapper based out of Karachi. We get to speaking about his writing process, how he consumes art to inform his style, how authenticity is essential to him, and why he thinks the rap fraternity in Karachi and Pakistan more generally has such a loyal fan base. Enjoy. थ्री टू वन नबील अकबर कैसे नबील अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्ला काज आप बताएं अल्लाह का करम है ब्रो अल्लाह का करम है तो काफ़ी अरसे मैंने कोशिश की है कि आप आ जाओ बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट अभी हम तो इंट्रो देंगे ही नहीं आपका जिसको नहीं पता है नबील अकबर कौन है आपका अपना मसला <laughs> क्या कर सकते हैं कुछ कर नहीं सकते ब्रो क्या सीन है ब्रो क्या हो रहा है बस यही चल रहा है म्यूजिक चल रहा है और जिंदगी चल रही है जिंदगी कैसी चल रही है बस अल्लाह के करम पे चल रही है आपने मुझे थोड़ा साथ, साथ लेके चलना पड़ेगा प्रैक्टिस नहीं है ना आज से पहले मैंने जितने इंटरव्यू दिए वो या तो नौकरी के लिए इंटरव्यू समझो ही ना बोलो आप सिर्फ बात करो लेकिन माइक चाहिए आपने बातों बातों में क्या बोल दिया इंटरगेशन में क्या सीखता है इंटेरोगेशन मतलब वही यहाँ पे पूछताछ कौन हो कहाँ से हो किधर से आए हो बचपन में ऐसा काफ़ी रहा है हाँ हमारे साथ तो काफ़ी रहा है वैसे यहाँ पे आप आपका कम इतफाक हुआ है मेरे ख्याल में कम हुआ है मेरी शक्ल देखो ब्रो नहीं हम लोगों का बहुत <laughs> पुलिस वगैरह से इतफाक रहता है ऐसा ए, आप, अभी आप तक आते आते ही दो जगह तलाशी दे आ रहा हूँ मैं गुड क्यों ऐसे ऐसे रोक लिया उनने बस वो नाके लगे हुए थे तो दो बाइक वाले तो मशकूक लगते ही हैं आपको पता है, बड़ा बहुत है। अपने इसको ये हमेशा से रही है मेरे ख्याल में जब मैं दो में भी था कराची में तब भी ये एक चीज़ थी एंड प्रेफरेंस ये होती थी बंदा कोशिश करता अल्लाह रहम करे कोई भी ना रोके लेकिन बंदा कोशिश करता था कि रेंजर्स रोक ले रेंजर्स का फिर ये होता था कोई तंग नहीं करती इतना रेंजर्स वगैरह हाँ। वो आपको रोकेंगे आपसे नाम पता एनआईसी देखेंगे और आपको जाने देंगे हां लेकिन अगर आपको पुलिस पकड़ ले हां तो आपसे पूरा शिजरा पूछेंगे शिजरा क्या आप कौन हो कहां से हो क्या करने आए थे हां तो जात के क्या हाँ, लगते हो जात के क्या किसके बेटे हो किसके बाप हो किसके बेटे हो किसके बाप हो सब उनके साथ काफी तो तभी आपके अच्छे हैं है। मतलब मैं ये समझूं कि आपके सफारतीलुक तालुका... अच्छे हैं पुलिस वालों साथ <laughs> खुद ही बने ये ऐसे <laughs> ही इतफाक होते उन्होंने पहल की हाँ <laughs> ये मुझे रोका मुझसे तारुफ लिया हाँ। फिर मेरी दोस्ती अच्छी हो गई हाँ तो अलहमदिल्ला अब मुझे इतने मसले होते नहीं हैं हाँ सही है इट वॉल लेकिन ये जो आपने बात की ना दिहाड़ी की ठीक है अब सबको पता है कोई ज़्यादा बोलता नहीं है सबको पता है कि जो ऑन ग्राउंड जो होता है पुलिस वाला वो ये थोड़ा सा करता है लेकिन ज्यादा करता है थोड़ा लेकिन जिसका जितना जोर है वो करता है ये है यहाँ पे शुरू से ऐसे ही रिवाज रहा है जिसका जितना जोर जिस पे चलता है ना वो उसको उतना दबाता है अगर ने... ये ख़त्म हो जाना तो बात है हाँ इन हमारी हयाती में होगा आपके ख्याल में

हम भी उम्मीद हार के ये ऐसी बातें करते हैं हम कोई खुशी में तो नहीं करते कि यार देखो मैं तो वोट नहीं कर रहा वॉट से कॉल लेकिन चलो वन डिड यू स्टार्ट म्यूजिक अब सो हाँ नहीं हम आपका तारुफ करा ही नहीं रहे जिसको नहीं पता है वो पता कर ले बस ढूंढ लेगा हाँ ढूंढ लेगा खुद ही खुद ही चाहने वाला खुद ढूंढता है ऐसे ही है क्या बोलते हैं प्यासा तालाब hmm. के पास आता है, है? तालाब के पास क्यों आ रहा है किसी को नहीं सही बात है क्या बात कर रहा है बताओ वन डिज यू स्टार्ट मैंने साल तो याद नहीं है लेकिन बचपन में हाँ ख़ैर शुरू में स्कूल टाइम में हाँ। नया नया शौक चला तो था तब मैंने उमर ख़ान के साथ जोके हाँ, जोके भाई के साथ उससे मेरा इंटरेक्शन हुआ वो भी स्कूल में थे नहीं नहीं वो मुझे यार ये मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो मुझे इतफाक से मिला वो मुझे बिल्कुल इतफाक से एक, एक इतफाक से मिला आप, उससे पहले मुझे बताओ शौक कहां से चढ़ा शौक मुझे शुरू में पोइट्री का था स्कूल टाइम से था लिखने वगैरह का ओके तो उसको रिदम में लाने के लिए एक मानी भाई अगर आपने कभी सुना हो मानी? नहीं, नहीं एक और रैपर है मिस्टर मानी मैंने सुनना उसको भी अभी 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 लगा ले अभी लगा लेते मेरा गाना है एक दगाबाजी हम्म, दगाबाजी सुनते हैं आप मुझे बताओ तब तक हाँ तो मैं बापी हाँ मानी मिस्टर मानी वो जो थे उनके साथ आप मिस्टर मानी, उस, उ, उनके साथ क्या वो आपको बेसिकली समझा सिखाते थे कि कैसे इसको मुझे मिस्टर मानी से मेरी बातचीत हुई फेसबुक पे, तो ये, ये। तो भी अभी भी दोस्ती हाँ क्यों नहीं होगी हाँ, अलहमदिल्ला अपने लोग करीब रखने चाहिए यकीन बात है यकीन ही बात है अच्छा दि... इंसाफ देना काजी देख देख देना हूँ मुसलमान वरना हम भी तेरे पैर छूते तो मेरी नज़र से देखो बिखरे हुए हैं फल सफ़े जो लिखने लगूँगा मैं सब तो कम पढ़ेंगे ये सफ़े तो लौटें वापस मुद्दे पे मुझको दुनिया दिखा रही है, है। बेताबी मुझको खा रही है ये दिल की कोई बीमारी है चलो यहाँ पे उसको काटते हैं

भी अपना हिप हॉप करता था ये मैंने आपको बताया है मेंटल का भी सही सही तो उस वक्त मेरा उमेर से तारुफ हुआ मानी भाई के थ्रू मानी भाई तब वहाँ पे बैठते थे एक दुकान थी छोटी सी इजी लोड की ना ठीक है वहाँ पे एक स्पीकर लगाया हुआ था तो वहाँ पे उसने ना मुझे प्रैक्टिस करवाई शुरू शुरू में कौन सा इलाका था ये ये था पलोच कॉलोनी के पास ये होगा उसके पुल पार शार फैसल के पीछे एक रोड की की तरफ ना उस उस साइड पे तो खैर वहां पे छोटी सी दुकान थी उसने मेरी प्रैक्टिस वगैरह करवाई मुझे रिदम वगैरह सिखाया गया हाँ इस वक्त ऐसी रिदम मेरा ये ये थी कोई चौदह पंद्रह खैर उसके थ्रू में फिर उसने जब मेरी प्रैक्टिस वगैरह हो गई मेरा पोट्री रिदम में आ गया रैप एंड पोइट्री पूरा हो गया रैप तो उसके बाद मेरे उमेर खान से मुलाकात हुई हाँ उससे एक... मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी लेकिन उस टाइम इतनी छोटी उम्र में कैसे आपकी रहे थे बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी नहीं बनती तो मतलब वो तो थे... क्या बोलते हैं उसको हुनर बोलते हैं हु... टैलेंट हुनर यही है बंदा प्रैक्टिस से सीखता है जिसको शौक़ होता है वो कुछ भी करने के लिए राजी होता है सही सही फिर हाँ तो फिर हमने जो टाइम ये खैर उधर उधर घूमते घामते उमेर खान के पास पहुंचा मैं हुमैर खान उस वक्त प्रोडक्शन कर रहा था हिप हॉप की मेटल मेटल भी वो करता था शुरू से तो खैर वहाँ से शुरू हुआ वह उस टाइम के इधर इतना चैनल्स वगैरह थे नहीं तो वही थोड़ा बहुत चला उसके बाद नौकरी पे फिर उसके बाद इत्फाक़ से दोबारा मेरा जब ये मिक्स टेप स्टार्ट हुआ जो मैंने स्टार्ट करा उससे पहले मैं वहाँ मेरा ऑफिस का दोस्त रहता था एक मिनट अच्छा ये हमने टाइम स्किप किया है अब आपकी उम, कितनी उम्र हो गई है आपकी और आप कहाँ पे हो आप अभी ऑफिस पे हो हाँ अब मैं ऑफिस के टाइम पे उस खैर उस इसके थोड़ा थोड़ा इसके साथ रिश्ता बना कर ये।, ये हाँ करीब कर लो अपने आप सही है आप बेस्ट है तो खैर मैं उस टाइम ऑफिस का टाइम जब स्टार्ट हुआ अठारह उन्नीस साल हाँ अठारह उन्नीस होगी तकरीबन हाँ स्कूल के टाइम से हिसाब कभी बैठ के लगाया नहीं ना कितने कितने साल हो गए जोखे के साथ तो खैर अभी आपके साथ बैठ के लगा रहे हैं हाँ। तो रियाजी कमज़ोर मेरी कोई बात नहीं हम दोनों की है, <laughs> है। तो उसने आपका अल्लाह भला करे हाँ मैं तकरीबन ये अठारह उन्नीस साल का हूँ मैं उस वक्त यहीं पे फेस सिक्स में नौकरी करता था कॉल सेंटर में वहाँ मेरा ऑफिस का दोस्त रहता था ताज उसी जगह पे जहाँ हम लोग शुरू में बैठते थे तो मैं दोबारा ताज गया इतफाक़ से उसको छोड़ने के लिए वहाँ बैठ गया रात में चाय पीने वो मैर खान दिखा मुझे पेप्सी लेता हुआ रात को वो रोज़ रात को लेके जाता था म्यूज रात को बैठने के लिए ना अपना वो स्टार्ट करने के लिए उसकी आदत थी एक रूटीन थी एक। तो उससे मेरी दोबारा बातचीत हुई उसको मैंने बोला मैं लिख तो रहा था मैं इतने टाइम से सही तो फिर दोबारा मैंने स्टार्ट करा आप तो आप, आपकी बुनियाद जो है लिखने की कहाँ से आती है कोई चीज़ फील करते हो कोई चीज़ देखते हो कैसे ये वही फील हाँ तो ये अब जो अपनी फील होती है अपनी स्टोरी होती है जो अपने दिमाग में होता है वही होती है बुनियाद वही मटीरियल होता है वही जो आप बैठे हैं जो मैं बैठा हूँ जो ये स्टोरीज़ हैं वही मटीरियल है तो किस चीज़ को अब जैसे हर किसी के साथ हर चीज हो रही होती है लेकिन आपके लिए क्या हो सब सही है हाँ कुछ चाहिए कुछ मंगाऊ नहीं नहीं हाँ तो आपकी जो है ज्यादा आपको कौन सी चीज फील करती है आपको ज्यादा कौन सी चीज फील होती है हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं हाँ।

चीज़ें लिखता था किताब में उसको रिदम में लाने का कि यार ये भी चीज़ होती है तो वहाँ से स्टार्ट हुआ उसके ऊपर रिसर्च हुई इंटरनेट तो था ही तो सीखते गए सीखते गए सीखते गए लोगों से मिलते गए और अब आपके सामने अलहमदिल्ला अभी जो है आपकी एक तरीके से मतलब ये आपको ज़रूर महसूस होता होगा आपकी जो फॉलोइंग है वो आ, भले थोड़ी बनो कराची लाहौर ये 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 लोग ये अपने लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एक बहुत लॉयल फॉलोइंग है जी जी क्यों आपको ऐसा लगता है आप लोग सबकी मतलब आप वो स्टोरी से मैच करते हैं उन्होंने जो वो मैं बोल रहा हूँ वो उनको दिख रहा है कि ये सही बोल रहा है तभी उनका लव भी जेनुअन है और और ज्यादातर यहाँ से मिलता है अपना इस तरफ से क्योंकि जे बता रहा था कि उस तरफ से भी बहुत आता है हर तरफ से आता है आप कराची वाला हर जगह है हाँ ये बात तो है

फ़ैन होता है ना वो लॉयल भी होता है और वो ना एक अग्रेसिव भी होता है थोड़ा सा कि अच्छा अब नबील भाई को कुछ बोलना भी नहीं उनसे बात भी करो उनके बारे में अच्छी बातें भी करो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है ना आप लोगों का ओवरवेलमिंग भी पॉजिटिव होता है ज़्यादातर आपके आपके नेगेटिव नहीं होते आप लोगों के okay? मतलब खुदा ना खासतःं कोई बीफ वीफ नहीं हो जाए बीफ में भी होता है फिर आपके यहाँ से पंटर होते हैं लोग होते हैं वहाँ से उनके लोग होते हैं और फिर जो होता है वो होता है नहीं आपकी बीफ नहीं होती कोई बीफ करता ही नहीं है क्यों पता नहीं अभी तक तो किसी ने नहीं, नहीं करा। <laughs> आप आसरे में यार, कोई कर ले। <laughs> नहीं, नहीं ये। ऐसे किसी जानने वाले बात हुई नहीं है क्यों, क्यों आपसे तो ये आप बताए ना यार मुझे तो नहीं मुझे तो नहीं मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही कि कोई आपसे कोई फायदा भी नहीं है ना देखे आप उसको चार गाली दोगे चार गाली वो देगा आपको आप उससे अच्छा कोई ऐसा मास्टरपीस बनाओ कोई ऐसा काम करोगे वो सदा बाहर रहे सदा बाहर रहे बीफ तो बिला के लफड़े होते हैं इसमें क्यों बिला वजह पढ़े नहीं पढ़ना तो नहीं चाहिए लेकिन आपका जो है गोल फिर क्या है अभी क्योंकि कुछ ऐसे गाने हैं आपके जो माशाला से काफी पॉपुलर भी हैं हिट भी हैं रिदम भी अच्छी है प्रोडक्शन हर चीज़ अच्छी है लेकिन मतलब क्या यही गोल था बस इस किस्म के गाने बनाते रहो या कोई तो ये देखें शुरू से हमारा मेरा तो कोई गोल था नहीं म्यूजिक से गोल दिखा मुझे तब जब मैं दोबारा मैंने पोइट्री स्टार्ट करी खैर गोल क्योंकि यहाँ पे अब इसका इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है आपकी कोई बात नहीं सोचते ना साथ बैठ के सोचते हैं ना इस में जवाब गोल क्या कभी रखा नहीं कुछ। गोल नहीं रखा आपने क्योंकि बस बोल दिया बस बोल दिया ठीक है ठीक है बस जो समझ आया वो बोल दिया और कोशिश की कि निभाएं आ, ऐसा पूरी करें अपनी बात पूरी करें अपनी बात ठीक है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट चलो आप जो आ, ये इनके जोखे भाई के साथ शुरू से थे इन टर्म्स ऑफ रेडीनेस कि यार अब मैं जो है ना बिल्कुल तैयार हो गया हूँ ऐसा कभी अब महसूस करते हुए कभी भी महसूस करते थे कि यार अब मैं तैयार हूँ अब जो है मैं प्रॉपर रैपर हूँ अब मैं तैयार हूँ स्टेज पे जाने के लिए एल्बम बनाने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार हूँ उसकी प्रैक्टिस चल रही है मेरी अभी तक प्रैक्टिस चल रही है हाँ, अभी तक नहीं अभी तक ये, ये सब कुछ आ गए इतने सारे गाने वाने सब सेट है माशा और करेंगे तो और सीखेंगे और कोई है पाइपलाइन में ऐसा गाना ख़तरनाक किस्म का पाइपलाइन में मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एल्बम पूरी करने की इन काफ़ी दिनों से मैं उसी पे लगा हुआ था सही है कुछ बता सकते हो या नहीं अभी नहीं बताऊँ अभी तकरीबन आधा काम उसके ठीक आधा काम मैंने कर लिया आधा रहता है तो अभी इसको अपने साथ रख लो ना इतनी, इतनी तकलीफ में क्यों हो नभी? इसको अपने नवीर <laughs> इसका दूर कर दिया टेबल मैं तो बन नहीं सकता <laughs> सही बात है बिल्कुल इजी हो बैठ जाओ थोड़े मसले हैं थोड़ा हमें एडजस्ट होना पड़ेगा सही, सही आवाज़ आ रही है माइक चेक अब बिल्कुल आ रही है देखो हिरी सामने आपके लेवल अच्छा हाँ क्या बात कर बस देखो आपका वो क्या मैं अब मैं क्या बोल रहा था मैं ही बोल गया लेकिन मुझे ये बताओ आपका इस सीन में ज़ाहिर है आपके अपने जो माशाला से लोग हैं वो भी खतरनाक है बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो आपके दोस्त भी हैं ऑब्जेक्टिवली आपका फेवरेट रैपर पाकिस्तान में कौन है पाकिस्तान में मेरे फेवरेट रैप बहुत सारे हैं मेरे बहुत सारे नहीं मतलब वही हैं वायस हाँ वही अपने लोग हैं वो तो मैं ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है हाँ, सुनने को तो अपने ही सुन लेते याद आ जाती है जब हाँ शानदार यही है, 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 है सही है यार पता है क्या आपके साथ ये सवाल शायद अनफेयर है क्योंकि ये आपके दोस्त भी हैं लेकिन टॉप यही हैं और कौन है टॉप आ, इंडिया में इंडिया, इंडियन सुनते हो इंडिया के मैं सुनता नहीं उतर क्यों ऐसे टाइम नहीं है टाइम नहीं मिलता गाजी साहब वैसे ही रमजान चल रहे हैं <laughs> ये बात सही है वैसे ब्रो ये बात सही है क्या इंडियन रैपर सुने हम सही है और आपने वालों के इतने सारे गाने हो गए वो सुनने का टाइम नहीं होता पूरे लेकिन ये आपने कौन कौन से सुने इंडियन या पाकिस्तानी 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 मैंने आप लोग ही सुना वो अपना ये चैन के और ये सनी दुरानी जो है मुझे लोग बोलते रहते हैं सजेस्ट करते रहते हैं ये सुनो लेकिन यार वो चैन के ने ना एक बड़ी अजीब बात कर दी थी औरतों के बारे में ऑन प्रिंसिपल मैं उसकी बातें नहीं उनके गाने नहीं सुनता ऑन प्रिंसिपल बाकी जे जे आप अपने जैस उशारे जानी ऑब्वियसली ऑबियसली दंगस्टर होता है ना देखें आप अगर किसी को बिला वजह तंग करते हो तो फिर आपका अपना नुकसान होता है ब्रो एक बंदा मेरे ना सुनने से उसका कोई नुकसान पता नहीं होगा नहीं होगा लेकिन मुझे नहीं समझ आता ना क्योंकि आप लोग जो हो ना ये मैंने इनको जे को भी मैं सबको ही बोलता रहता हूँ जो जो मुझे मिलता है मैं बोल देता हूँ उनको आ, कि आप लोगों के गाने न फील गुड होते हैं एक उम्मीद होती है उनमें ऐसा नहीं होता है कि मतलब फजूल में किसी को गालियाँ या फजूल में किसी को यू नो फड्डे सर फाड़ देंगे टांग तोड़ देंगे ऐसी बातें नहीं हो रही होती और लड़कियों की और गाड़ियों की ये बातें भी नहीं हो रही होती लेकिन चलो अगर आप सिर्फ लड़कियों की भी बातें कर रहे होते ना शायद मैं हजम कर जाता आपने बहुत एक गंदी तरीके से औरतों के बारे में बात की है तो, तो वो तो फिर नहीं नहीं हजम हो सका मेरे से वही है ना आपकी मेंटालिटी में आ गया हर चीज के लिए हाँ, हाँ। अब आपको हर चीज बुरी लग रही है हर जगह हेट फैला रहे तो बीफ वीफ का यही नुकसान होता है सही कहा जा रहा है नहीं नहीं यहाँ से आ जाओ आगे से आ जा, आगे से आ जाओ क्या हो गया क्या बात है? नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई कोई बात आगे से आजी दे। बोलने है, जाने दे का इशू नहीं, नहीं, नहीं है बस हाँ बैठो कोई मसला नहीं है अपना व्हाट्स हाँ नहीं ब्रो ये पर हाँ मैंने तो यही सुना है फिर यंगस्टर्स अच्छा मजे की बात बताऊँ आपको मैंने पहले सुन सबसे पहले सुना था मानू का गाना मानू को सुना मानू से एक बार इतफाक हुआ था मैं मिला था हाँ मैंने गाना कोई मुझे याद नहीं है एक बार दो बार सुना होगा तो हाँ दिमाग में नहीं हा, है हाँ ठीक है तो मानू का अच्छा पहले सुना अच्छा आर्टिस्ट शानदार है माशाल्लाह तो मैं जो है आपको पता है थोड़ी बर्गर नोयत का हूँ <coughs> तो मुझे उस उस वाली म्यूजिक ने पहले अपील किया तो मानू का गाना था अब्दुल्ला सिद्दीकी के साथ कम थ्रू अच्छा गाना है मज़ेदार गाना है अभी आपको मैं थोड़ी देर में सुना भी दूंगा अच्छा मज़दार गाना है हमारे पास सिस्टम है आपको तो पता है नवीन ईजी है तो जो है वो वो सुना मैंने सही और उससे पहले जाहिर मैं कनाडा था तो मैं नहीं आई वॉज नॉट अटेंशन मजे की बात है जब यंगस्टर्नर ने बर्गर निकाला था तो मैं उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा बढ़ाऊँ तो मैं यहीं पे था और आप देख ही सकते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ जब उन्होंने बर्गर कराची निकाला था ये क्या कर दिया इन लोगों ने यार खामखा बर्गरों को दे दिया बस के नीचे <laughs> तो जो है ये हुआ फिर मैं चला गया मलेशिया और तो फिर मैंने जो है उनकी फॉलोइंग ट... नहीं की ना क्या उनकी ट्रेजेक्टरी या आप लोगों में से किसी की भी वापस आया मानू सुना मानू के बाद मैंने सुना हसन रहीम मैं यार हसन रहीम तो बहुत अच्छा है शानदार फिर मैंने सुना तहाजी तहाजी इतफाक़न मेरा पुराना दोस्त है अच्छा लेकिन मुझे तहाजी हम ऐसे ही बोलते थे गिटार विटार बजाता था कोई ऐसे ये नहीं पता था कि ये कर रहा है तहाजी के गाने बड़े शानदार हुए फिर बोले यार तहाजी वगैरह तो सब सही है ये सब अच्छे हैं यंगस्टर का सुना है मैं बा ब्रो बर्गर कराची उनने मजाक उड़ाया था मेरा ब्रो क्या मतलब <laughs> तो फिर <laughs> जो है हाँ उसके बाद मैंने सुना अफसाने कोक चाहिए हाँ उसके आ, उसके बाद मैंने सुना अफसाने, अफसाने। जैसे ही अफसाने सुना मैंने अफसाने और बर्गरे कराची में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्या? ये तो है। अब तो जो है अब मैं पहले सोच रहा था कि हमें आए मिलेगा गैप भी तो कितना है बहुत ना बहुत बड़ा गैप है ना मुझे लेकिन उसके बीच में कितना काम कितना काम, का, काम है कितना काम है लेकिन आप सोचो ना मेरे लिए यंगस्टर्नर्स बरगरे कराची से अफसाने के लेवल तक ऐसे चले गए भाई ये तो बहुत अच्छे हैं चलो अफसाने सुना आ, फिर आसम मज़र के साथ उनका एक गाना है याद उस जमाने में मैं मेरा जो था थोड़ा दिल टूटा हुआ था याद सुना यार ये तो दोनों तला बहुत ही ख़तरनाक है चलो ठीक है हाँ डेंजरस है फिर मैंने गुमान सुन लिया मैं तेरी खैर फिर मैंने लगा रहे सुन लिया मैं भाई यार इनके मतलब सारे गाने अच्छे होते हैं <laughs> कोई कोई खराब गाना ही नहीं है इनका आ, और उसके बाद बस फिर वायन नॉट वगैरह फिर चलता गया हाँ मेरा ये मेरी ये जर्नी है टोटल और इ, इसके दौरान जाहिर है ये ये जो छोटे हैं अपने जैस जानी आ, शारे इनके गाने भी सुने उसके बीच में मुझे आप और जे जे फोर एक्सवीन मिल गया छोटे पहला गाना कौन सा सुना आपने पहला आपका गाना मैंने सुना था ये तलाश तो

ऐसा वो अंधेरे में था जैसे किसी गार में गार में आगे सुन नहीं एक और भी था ना हिप हॉप अंधेरे में था हम दोनों टॉर्च थे आ, ये, भी ये तला यूनस ता तला अंजुम तला अंजुम नहीं, आ, नहीं। लगा नहीं। रहे मैं ही ना यार पता नहीं यार एक मतलब ख़तरनाक होता है सभी ख़तरनाक होता है आ, तला अंजुम की सबसे ख़तरनाक वर्स जो मुझे अच्छी लगती है वो है बाज में

अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी आगे आने वालों के लिए अच्छी अपरचुनिटीज़ खुलेंगी हाँ। अच्छा सीन होगा बंदा म्यूज़िक को प्रॉपर टाइम दे पाएगा आप एक पैशन को फॉलो कर रहे हो तो मतलब के उसका ये क्या है अगर उसको नौकरी की तरह टाइम नहीं दोगे तो उससे नौकरी की तरह बेनिफिट भी नहीं आएगा सही सही आठ घंटे उस पर काम होगा तो उसकी कुछ वैल्यू बनेगी आपका हुनर बनेगा ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन आप लोगों ने जहाँ तक मैंने आप लोगों से बात की आप लोगों में से किसी ने भी नौकरी की ऐसा नहीं सोचा कि यार ये हमें कभी पैसे दे सहीगा आप, आपने बस अपना पैशन फॉलो किया जो अच्छा लगा वो समझ जो समझ आए वो किया अगर पैशन ही प्रोफेशन बन जाएगा तो क्या बात है यही तो, तो बात है यार यही तो होना चाहिए इन हर किसी के लिए अब मैं समझता हूँ हर किसी के लिए यही दुआ करनी चाहिए लेबल लेबल यहाँ पे सिर्फ ब्लैक मिलता है रेड भी मिलता है जाना हाँ ज़्यादा महंगा कौन सा वाला होता है रेड वाला ब्लैक वाला रमजान में ऐसी बातें कर रहे हैं इस वाली को पोस्टपोन कर दे इसको ईद हाँ, जो जो के बाद रिलीज करेगा नहीं ब्रो मुझे जो भी है गाजी साहब हाँ यही है क्या अप्रिशिएट कि आप लोग इतने रियल हो क्योंकि बाजू का यहाँ पे ये सारी बातें होती हैं काम हर कोई कर रहा होता है टॉप हर चीज़ कर रहे हैं ना जो चीज़ जो चीज़ मिल सकती है कर रहे हैं लेकिन बातें है यही है कि नहीं नहीं पाकिस्तान में तो कुछ नहीं होता ब्रो क्या नहीं होता पाकिस्तान में और जब तक हम सच नहीं बोलेंगे ना तब तक हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अभी आप मतलब एक माशाला से पूरे जवान आदमी हो आप करो एक बात है बच्चे जब इस चीज़ में फंस जाते हैं ना वो बच्चे इसीलिए फंसते हैं क्योंकि हम आँखें बंद करके बैठे हुए हैं कि ये चीज़ें होती नहीं है ये चीज़ें होती हैं इनके बारे में अगर गुफ्तु नहीं होगी तो यही होगा ना फिर जो हो रहा है और क्या होगा जो आपने जो शुरू की बात की अगर हम बाश नहीं हुए तो फिर ब्रो मुश्किल है सब कुछ ही मुश्किल है फिर यही है यही है जो भी है बस इन्हीं मसलों के साथ चल रही है ज़िंदगी चलेगी इनशाला दौड़ेगी जिंदगी अल्लाह राम करेगा लेकिन मैं जो है ना जो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की ना रैप के बारे में मुझे जो चीज़ अपील करती है क्योंकि मैं तो मैं नाइनटीन में नाइन्टीन से मैं रैप सुन रहा हूँ पहले मैंने भी एम एन एम सुना था फिर फिफ्टी सेंट फिर अपना स्नूप डॉग फिर टूपाग भाई अपने जे कोल थोड़ा सा जे कोल ठीक है ना अपना और फिर अभी रिसेंटली कैंड्रिक आ गया अब तो उक्ता भाई है अब तो आफत है ठीक है ना लेकिन मैं तब से सुन रहा हूँ और तब से रैप जो होती है ना वो जो भी इमपावर होता है ना जिसकी भी हुकूमत होती है जो भी उसाल होता है रैप इस्तेमाल किया जाता है उस उसालम के ख़िलाफ़ बात करने के लिए कोई भी और अगर कोई एक ालिम नहीं है जैसे यहाँ पे कोई एक जालिम तो नहीं है तो फिर मुआशी जो हालात होते हैं जो तकलीफ़ें होती हैं उनके ऊपर बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो तभी मेरा हमेशा रैप के साथ रिलेशनशिप ऐसा ही रहा अच्छा रहा है कि यार इस चीज़ को ना होना चाहिए ये अपना इजारे ख्याल है हाँ ये मेरा है मेरा है। क्योंकि मैं जो मैं कह रहा हूँ कि रैप एक इजहार ख्याल है <laughs> इजहार ख्याल मतलब अपना हाँ। इजहार कर रहे हैं ना कि अपने इजहार हाँ, हाँ, मैं का रहा मतलब <laughs> मैं कैसे समझ समझ रहा रहा आपकी कैफियत मैं समझ रहा हूं। लेकिन <laughs> आप, सही। आप मुझे ये बताओ कि आप अगेन जब आप लिख रहे होते हो आप तो सिर्फ अपना नुकतः नजर बयान कर रहे होते हो आप सिर्फ ये जो भी आप महसूस करते हो बोलना चाह रहे हो ये आपको कभी फील होता है कि आप मुआशी लेवल पे कमेंट कर रहे हो जैसे आप जो बात कर रहे हो वो यह अब फील होता है बिल्कुल फ़ील होता है जब इतने सारे लोग एक बात पे गौर कर रहे हैं हाँ तो अब बिल्कुल फील होती है ये बात प्रेशर होता है इस चीज़ का इस चीज़ का प्रेशर ही अक्सर राइटर ब्लॉक बनता है मेरे लिए तो ये इस चीज़ का प्रेशर अगर इस बात पे सोचने लग जाएंगे कि इतने सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं हाँ तो फिर हैवी है हाँ है लेकिन तो आप कोशिश करते हो कि ना सोचो इस चीज़ के बारे में हाँ मैं शुरू मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो मुझे अपना लिखना है ना मैं वही हाँ क्योंकि आपके जितने भी जो भी वर्सेस मैंने देखे हैं वो बहुत सीरियस नोयत के हैं मुझे जो एक फंसा रहता है मेरे दिमाग में रिपीट में और मैं मज़े की बात है लोग मेरे दोस्त मेरे पे हंसरे भी होते हैं क्योंकि मैं हर मूड में उलझन जो गाना है ना आपका हर मूड में लगा देता हूँ खुशी में उलझन लगा हुआ है गम में उलझन लगा हुआ है वो क्या रहा है बट अगेन वही जो एवरग्रीन किस्म की वर्स है क्योंकि हम सब आखिर में अपने दिमाग में फंसे हुए हैं और किसी किसी एक मोड़ पे आके हम सब खुदा के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं अपनी हरकतों की वजह से बस वो मैंने भी उसी एक ऐसे टाइम पे लिखा है हाँ तो वो फ़ोटो भी मेरे एक दो ऑफिस के दोस्त ने ली थी लाइसेंस ऑफिस गए थे उस दिन हम लाइसेंस बनवाने हाँ। जो नमाज का टाइम था जहर का तो लाइसेंस ऑफिस बंद था एज़ यूजल <coughs> तो हम लोग वहाँ दीवार पे बैठे हुए थे थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे तो वहाँ बैठ गए उस वक्त की फ़ोटो थी उसके बाद मैं भी उन्हीं उलझनों में फंसा हुआ था हाँ। किन बात करोगे किन उलझनों में फंसे हुए थे वही जो सबको चाहिए जो उसमें है कभी ये जेल वेल गए हो क्या अल्लाह रहम करे जेल वेल अच्छा नहीं ये हाँ ये जवाब नहीं देंगे हम भाई ये जवाब हम नहीं दे रहे हाँ। गाना लगाते इसी बात पे <laughs> रेडियो नहीं होता है इसी बात पे आप ये गाना सुने <laughs> हाँ फिर तो भी ये फिर ये वो वाला बयान हो जाएगा ना काजी साहब हाँ समझ रहा हूँ अच्छी बात बह जाता हूँ गुफ्तु में बह जाता हूँ मैं लेकिन ये उलझन है Everyone should check it out. ये कहां पे लिखा था ये मैंने घर पे लिख, घर में ही लिखा था क्या वक्त था क्या सोच रहे थे रात के टाइम फंसे हुए थे बस ये बीट आई हुई थी एक शाट आउट टू जो के और ऐसी बीट देता है कि बंदा बह जाता है फिर ऐसे हाँ. जैसे आपके साथ गुफ्तगु में बह रहा बार बार रोकना पड़ रहा है ब्रो ये खतरनाक गाना है ब्रो और मैंने जो है ना मैंने पकड़ के चुन चुन के हुँ. ऐसे लोगों को ढूंढा जो जो रैप के दूर दराज तक फैंस नहीं है हुँ. मैंने बोला ठीक है अब रैप के फैन नहीं हो ना कोई मसला ही नहीं है इसमें एक गाली नहीं है गाने में एक hmm. गाली नहीं है गाने में, ah. आप नोटिस करो कुछ भी नहीं आप सिर्फ सिर्फ शायरी सुनो उनको बैठाया मैंने वो आप ये सिर्फ सुन लो शायरी सुनो बोल क्या रहा है नहीं नहीं क्योंकि देखो हम जो है ना ये आप मतलब आपका नुकता नजर मैं जरूर जानना चाहूंगा लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि हम बाजूकात लेबल्स में फंस जाते हैं ये रैपर है hmm. जैसे सिंधी महाजर भी कर रहे होते हैं ना सिंधी पठान भी कर रहे होते हैं। उसी तरीके से हम ये रैपर है ये सो ये आर एन भी है ये आ, क्लासिक गिटारिस्ट है जो भी वोकलिस्ट है ये, ये। क्लासिकली ट्रेंड है हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं मैंने बोला आप वो सब चीज़ें एक तरफ रखो सिर्फ इस बंदे की बात सुनो कर क्या रहे बैठे रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे अच्छा ये कितने कित, कितने लंबा गाना है ये शायद है आ, दो ढाई मिनट का गाना है ये दो ढाई तीन मिनट का गाना इतने का ही ड्यूशन मुझे याद नहीं है हाँ इतने का गाना है सुनते रहे खामोशी बिल्कुल सन्नाटा सुन रहे सुन रहे सुन रहे ख़त्म हुआ मेरी तरफ देखता है सिर्फ एक बात बोलता है फिर लगा ना अरे <laughs> <laughs> बोला भाई यही तो बात है ना समझने में टाइम लगेगा ना अभी ऐसा ही है ना ब्रो बहुत हम सही है फंसे रहते हैं इन चीज़ों में कि रैपर कौन है सिंग, रैप सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए कुछ बहुत सब पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने मुझे बोला कि हमारी चमड़ी के लोगों को ब्राउन लोगों को क्योंकि रैप तो अमेरिका से है ना का, कालो का म्यूजिक है उन्होंने बनाया उस तरीके से तो बोला हमें करना ही नहीं चाहिए मैं आप, आप इन बच्चों की बातें तो सुनो ये बोल क्या रहे हैं आप उनके सामने तो हम सब बच्चे ही हुए ना वो बहुत बड़े हैं आ, मतलब उम्र में, में बहुत बड़े हैं रुतबे में बहुत बड़े हैं माशा से मैं बाप इनकी बातें तो सुनो ये बोल क्या रहे हैं सही कोई ऐसी बात तो ये कर ही नहीं रहे तो अपना एक्सपीरियंस मतलब कोई जेकोल भाई आके जो है या ये एम एन एम भाई आके गार्डन के बारे में थोड़ी बात करेंगे ये तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना या डी एच ए करनी पड़ेगी आप लोगों की तो, आप लोगों की बात सुननी भी पड़ेगी अब इससे ज़्यादा क्वालिटी तो इससे ज़्यादा नहीं इससे ज्यादा भी बन जाएगी तो लेकिन अब जो है दिल खोलना पड़ेगा ना ये तो है गाजी साहब <laughs> लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात समझे बहुत से लोग इतफाक नहीं रखते उनका अपना नजरिया उनकी अपनी मर्जी है तो जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को जाके सुनाएं कि बोले नहीं नहीं सुनो ये मेरे गाने आपको मेन स्ट्रीम होने का शौक नहीं है मेन स्ट्रीम बस इतने मेन स्ट्रीम है कि आप जानते हैं है अच्छी तो मैं तो जान रहा हूँ बस इतने में खुश हूँ मैं इतने में खुश हूँ हाँ। अगर अगर मैं आपको बोलूँ नबील आप जो है अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ अगर मैं आपको बोलूँ या नबील जैसा आप काम कर रहे हो ऐसे करते रहो अपने पेस पे सुकून से और आपकी फॉलोइंग थोड़ी और बढ़ जाएगी शायद लेकिन आप जैसे हो जिस लेवल पे उसी लेवल पे रहोगे लेकिन काम अपनी मर्जी या करोगे या मैं बोलूँ आपको कि यार थोड़े से पॉप हो जाओ थोड़े से मेन स्ट्रीम होने के लिए आप थोड़ी सी लिरिक्स को ना ठंडा कर लो और मेरा जवाब पहले से ही जानते हूं मैं नहीं तो नहीं। जानता हो मैं तो जाता हूँ दो तो सही मैं तो जानता हूँ आपको मेरा जवाब पहले से ही पता होगा काजी साहब <laughs> नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं ज़रा सा ना बिल्कुल भी नहीं जैसे हो वैसे हो लेकिन ये फिर उसके बाद वो फिर क्वालिटी नहीं रहेगी ना फिर मज़ा नहीं आएगा जब मुझे मज़ा नहीं आएगा फिर आपको कैसे सुनने में मजा आएगा ये बात भी फेयर है ये बात भी फेयर है लेकिन मेन स्ट्रीम में पैसे तो बहुत ज्यादा हैं और पैसे तो है। बहरहाल अच्छी चीज होती है मेन स्ट्रीम का करेंगे कुछ बंदोबस्त कर लेंगे कोई मसला नहीं <laughs> है मसलाम भी ज्यादा दूर नहीं है नहीं इनशा इनशा ब्रो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ उस वक्त भी कि ये जैसे यंगस्टर्स आए कोक स्टूडियो पे दस साल बहुत वक्त होता है इन लोगों को दस ग्यारह बारह साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में और मुझे जे बताया कि ये उम्र में इतने बड़े नहीं है ये पच्चीस पच्चीस की उम्र के है ना ये इतनी ज्यादा उम्र नहीं होती ब्रो, ये बहुत, बहुत पौ, पौ, और जो इनको प्यार मिला है जो इनको इंडोर्समेंट मिली है बहुत खतरनाक है इस उम्र के लिए दस साल मायने रखते ना दस साल मायने रखते है आपको भी तकरीबन दस साल तो हो गए इतना काम नहीं है ना आप देखें कि अगर मैंने बीच में गैप भी लिया फिर उसके बाद दोबारा तो आप उन, उन्होंने कभी उनका कोई गैप है ही नहीं 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 है गैप तो फ़र्क पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा उनकी मेहनत खतरनाक है ब्रो उनकी मेहनत मैं समझता हूँ वही वाली बात है कि अगर आप और कुछ ना सीख सको उनसे अगर आपको नहीं लगे रहना है कम अज कम ये सीख लो कि आप अपना अपना तो सगा रहना पड़ेगा ना प्रो बहुत है बहुत है बहरहाल बहुत आ, आजकल जो है राइटिंग कब कर रहे हो कर रहे हो नहीं कर रहे हो ब्लॉक है क्या हुआ हुआ है अभी आजकल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ मेरे फीचर्स हैं हाँ? वो पूरे कर रहा हूँ हाँ उसके बाद वही जैसा कि मैंने आपको बताया एक, एक एल्बम हाँ? पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ? और उसके बाद आगे कुछ पता नहीं है नहीं प्लान <laughs> नहीं करते जाए बस ये वो चीज़ें जो ब्लैंड है बाकी आगे के सफर में देखेंगे कुछ अच्छा बंदोबस्त करेंगे <laughs> बंदोबस्त अच्छा हो जाएगा इन आप जो है कभी ऐसा सोचते हो कि आप जैसे किसी पॉप आर्टिस्ट के साथ बनाओ कोई क्रॉस बनाओ ऐसा कोई आ, ट्रैक बनाओ या किसी चीज़ का जैसे कोई आ, सूफी सिंगर हो ऐसा कोई या, या आपने ये आपने डाइट मंगवाई हुई है हाँ एक क्यों आपने वो गाना नहीं सुना कौन सा वाला किसका जोक राइट नहीं व्हाट्स जोक राइट क्या मतलब है बिल्कुल नहीं सुना मैंने क्या बात कर रहा हो ब्रो लाओ? नहीं सुना मैंने क्या क्या बता ना <laughs> एजुकेशन होती जा रही है अभी मेरी क्या नाम है मजाक कर रहा हूँ पॉडकास्ट में नहीं नहीं सीरियस <laughs> मैं मजाक कैसे करूँगा सीरियस कौन सा गाना है लौ मैं लौ लगा डबी अभी आसमानों पे ब्रो <laughs> थोड़ा टाइम लगेगा वापस नीचे आ जाएगा अच्छा हमारे रेफरेंस आप नहीं समझ सकते ना <laughs> कादी साहब इसलिए मैंने बोला आपसे गुफ्तगू में थोड़ा मसला होगा मुझे नहीं होगा मसला इंशाल्लाह आप यस्टरडेस प्राइस इज नॉट टुडेस प्राइस मसला ये है कि हमारे रेफरेंस आप नहीं समझ सकते अक्सर हाँ ये तो है ये तो 100% कॉपीराइट होगा शारे का लगा दो शारे टॉप डाउन वो तो वो तो सुना है मैंने वो तो है मेरे स्पॉटिफाई पे भी है लगा ना तो उसमें इस गाने का रेफरेंस है ना अच्छा तो है आप यार देखें और करें तो काफ़ी चीज़ें हैं गाने में पॉप आर्टिस्ट के लिए क्या है चार बार हैं गा देगा वो भी किसी ने लिखे हों ये ये सुन लें आप इसमें रेफरेंस है शारे कॉपीराइट नहीं मारेगा शारे से मैं बात करना <laughs> शारे से बात करना करेगा ना शारे कॉपीराइट नहीं मरना हमें <laughs> ये बहुत खतरनाक था वैसे ये वाला गाना भी बहुत यही तो है ना क्वालिटी

समझे आप समझ गया कोई बात नहीं आप आराम आराम से चलो मैं, मैं इनशाला पहुंच जाऊंगा <laughs> ऐसे होता रहेगा <laughs> ये But that's 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 very good. Diet 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 Coke, Coke, Coke Coke a a joke. A joke. ये नहीं है वैसे Zero क्या बात कर रहा है बस देखिए Diet Coke नहीं है, है मसला नहीं है सही है एडजस्ट कर लेंगे आपके साथ भी थोड़ा thank you, thank you. आप Coke Zero के ऊपर आप गाना बना दो तो, मसला ही नहीं।, <laughs> नहीं नहीं शारे ने कर दिया है हाँ बो, बो, मेरा मसला कोक ज़ीरो के साथ मैं बहुत मोटा होता था तो वजन कम करने के लिए फिर Coke Zero चले अच्छी बात है शायद आपसे दो चार अच्छी बात है हम भी सीख जाए आपको वजन कम करने की और क्या जरूरत है भाई नहीं माइक करीब कर ले भाई प्लीज़ माइक करीब कर ले आवाज ही नहीं आ रही है, देख नहीं आ रही है क्या बात कर रहे हैं है, हाँ। अब मजा आया आम, हाँ, तो फिर हम क्या बात कर रहे थे काजी साहब ऐसे ये बात होती है यार हाँ मैंने वज़न कम करने के लिए ना कोक ज़ीरो नॉर्मल कोक होती है ना उसकी कैलोरी ज़्यादा होती है शुगर ज़्यादा होती है ये सब चीज़ें ये सब मसले होते हैं चीनी चीनी गम चीनी गम। बच्चन की मूवी थी ना है ना एक गाना भी था ऐसा उसी मूवी का था ना कौन थी अमिताभ बच्चन का कोई खातून भी थी उसमें <laughs> कुछ ही खातून थी ब्रो नहीं नहीं दूसरा गाना था चीनी गम चीनी गम मुझे तो मीठा पसंद नहीं <laughs> हाँ? हाँ? कृष्णा

मैं जो है बस वास्ते देता हूँ उनको यार देखो यार मैं कुछ भी नहीं करता प्लीज मुझे जाने दो क्यों वैसे ये जो आपके होते हैं पुलिस वाले जो बिल्कुल स्ट्रीट पे खड़े होते हैं क्यों उनका ऐसा है ये है? तो उनसे पूछना पड़ेगा कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसे काम क्योंकि वो हम में से ही है ना ब्रो हमारे ही लोग हैं ना वो भी तो हम हर चीज में अच्छे बुरे लोग होते हैं पुलिस वालों में भी अच्छे हैं बुरे भी हैं हमारा मसला ये है कि हमारे पास बुरे ज्यादा हैं <laughs> वही है ना अच्छे कम है हाँ तो ये मसले हैं हमारे पास जो ये बुरे ज्यादा है ना ये मसला कर देते हैं क्योंकि फिर ये वही वाली बात है ना एक बच्चे को दस पंद्रह साल का बच्चा उससे बदतमीजी कर दी उसके सामने उसके वालद साहब से बदतमीजी बड़े भाई से बदतमीजी कर दी तो उसको भी तो आपने बना दिया ना वैसा ही फिर उसको भी आपने बदतमीज बना दिया ये बहुत है यहाँ पे यही तो है कोई देखने वाला नहीं है मैं और आप बच के निकल जाते हैं गाधी साहब कहाँ निकलना है भाई अपने अपने घर यार नबील तुझे क्या हो गया? और कहाँ निकलना है <laughs> अपने अपने घर कभी सोचा है कि पाकिस्तान छोड़ के कहीं चले जाओगे घूमने चले जाएंगे रहने के लिए हो सकता है कुछ पता नहीं है हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मूड तो नहीं है वैसे कभी ऐसा दिल भी नहीं चाह के हुँ। छोड़ जाए अब इतने साल यहीं पे गुजार दिए यही घर लगता है घर तो है तो यही घर है बस घूमने वूमने चले आएंगे आपकी तरह को आला लम्पुर ब्रो मैं तो पढ़ाई कर रहा था अच्छा जी आपने क्या करा है राइटिंग फिलोसफी लिटरेचर इकोनॉमिक्स क्या बात कर रहा है हाँ दो दो अलग ये लगाते ना आप डिग्री लगा देते नहीं ब्रो वो बहुत चीप लगता है ये ये तो शहरों से ताल्लुक है ना अलहमद ये शहर अच्छे लगता है मुझे इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। आ, दिल टूटा दिल ढूंढा दिल पाया तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद गया है कराची हैदराबाद टोरंटो टोरोंटो तो अलग अलग मैं, मैं पता है वैसे तो कराची ज़ाहिर है फ़ील करूँगा कि बोलूँ लेकिन हर मेरे <coughs> जिंदगी के हर नुकते पर <coughs> अलग लाइक उस वक्त वो ज़रूरत थी एक टोरंटो की उस वक्त जब मैं टोरंटो में था उस वक्त मुझे ज़रूरत थी टोरंटो की ईमान से मैं ये बोल सकता हूँ अब जब पीछे देखता हूँ ना इतना अर्सा हो गया तीन चार साल हो गए वापस आए हुए और इसी तरीके से कोला में भी जब कोलमपुर मिला तब ज़रूरत थी कोलामपुर की बड़े अलग अलग शहर हैं उनकी बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी है कराची की अपनी है कराची थोड़ा बड़ा हर किस्म का बंदा है हर किस्म का बंदा है लेकिन इन दूसरे शहरों में भी है टोरंटो में भी है हर किस्म का बंदा है वहाँ कराची वाला भी है फिर। ऐसा वैसा कराची वाला करा उसको छोटा कराची बनाया हुआ है बिल्कुल है लेकिन फिर भी कराची कराची है ये तो है आपका इसी तरीके से कोला में भी हर किस्म का बंदा है क्योंकि ये एक एक ये देखो ये एक दूसरे के बहन भाई हैं टोरंटो कराची कौला एक दूसरे के बहन भाई हैं ये मेट्रोपोलिटन शहर एक किस्म के होते हैं न्यूयॉर्क भी इनमें आता है शुमार होता है लंडन भी इनमें शुमार होता है यहाँ पर हर कोई होता है यहाँ पर हर कोई मिलता है यहाँ पे रैपर्स भी होते हैं यहाँ पे जो है हर किस्म के आर्टिस्ट भी होते हैं एक्टर्स राइटर्स हर चीज़ होती है यहाँ पे तो उस वक्त तो अब जो है ना इस उम्र में आके मुझे नहीं लगता है मैं चूज़ कर सकता हूँ मैं मरना कराची में ही जाता हूँ अल्लाह रहम करे रहना भी कराची में ही चाहता हूँ लेकिन आप मुझसे ये बोलोगे ना पिक कर लो मुश्किल है मुश्किल है अल्लाह आपको आती थे आप देखना जाके ट्रांटो भी वॉच है इनशाला सर्दी बहुत है वहाँ पर बहुत सर्दी है निकल जाएंगे कभी ना कभी <laughs> ज़िंदगी रही तो रहेगी अल्लाह रहम करेगा आपका हाँ तो आपने नहीं सोचा है कभी भी कि कहीं और जाके रह जाओ मजबूरी एक और बात होती है लेकिन सोचा नहीं है ख्याल नहीं, नहीं कर मैंने मैं बॉर्न एंड ब्रेड कराची तो कभी निकलने का सोचा ही नहीं सही है सही है वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइटिंग को कभी फोर्स किया क्योंकि देखो अभी आपका काम है अभी काम है फोर्स क्या है बहुत बार गया है फोर्स मुझे फोर्स करने को ये नहीं बोलूंगा मैं जबरदस्ती लिखना ये है कि अब ये मैं आपको कैसे समझाऊंगा गाजी साहब प्लीज कोशिश करे <laughs> बहुत मुश्किल है आपको मेरे तासुरात समझाना Please, मैं बैठा कोशिश करूंगा प्लीज थैंक यू के फोर्स मैंने जब भी लिखा है तो उस उस वक्त पे जो मेरा ख्याल है तो मैंने उस वक्त पे लिखा है अपने टाइम पे मतलब जहाँ पे मैं बैठा हूँ जिस तरफ जिस जो मेरा उस वक्त जहन है वो मैंने लिखा है तो उस वक्त ये है कि कभी फोर्स करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है हुँ। कभी हुँ। बुरा लोगों को बुरा लग जाती है कोई बात कोई किसी को अच्छी लग जाती है तो जाने देते हैं जाने देते हैं हाँ अच्छा लेकिन फिर आपसे वही पूछूंगा ना क्योंकि अब आपके पास कमिटमेंट्स है अब हाँ। आप जो है माशाल्लाह से लोग आपको चाहते हैं अपने गानों पे अब सिर्फ ये तो नहीं ना कि आप अपने कहीं गाने बना रहे हो जब चाह तब उसको जो है मिक्स मास्टर करवाया अपने हिसाब से अब जो है लोग जाहिर है पैसे लगाने के लिए भी तैयार है मेरे ख्याल में और लोग जो है फीचर भी बिल्कुल मांगते हैं अगर आप एक बार उसको रोक देते हो ना अपने आप एक बार अगर ये सोचने लग जाते हो ना कि यार वो क्या सोचेगा उसको ये बात बुरी लग जाएगी तो आप फिर रुक जाते हो फिर आपका ब्लॉक लगता है मेरे लिए तो ऐसा होता है कि अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ ना कि उसको मेरी बात बुरी लग जाएगी या किसी और के लिए मैं लिख रहा हूँ तो फिर मेरा ब्लॉक होगा सही फिर मुझसे नहीं होगा और वो फिर आप इंसाफ नहीं कर सकोगे गाने सर इंसाफ की क्या बात करें वही जैसा आप इंसाफ समझ लें उसको मतलब निभाना तो है ना ब्रो अगर एक गाना लिखा है उसको सही तरीके से लिखना और परफॉर्म करना ये तो ये तो करना है ना इन तो ये ऐसे ही होगा कि आप जो आपको अच्छा लगेगा वो आप अपने लिए करो हुँ। हुँ। तो उसमें दो तीन दिन एक्स्ट्रा लग जाए तो खैर है कभी दो तीन दिन कभी बंदा लग जाता है महीना भी लग जाता है कभी उसी वक्त हाँ डिपेंड करता है मूड पे मतलब अगर एक सर्टन मूड पे बंदा लिख रहा है कि एक कि मैं आपको कैसे समझाऊँ इंग्लिश मीडियम में नहीं तो आप बस कोशिश करो मैं इनशाला पहुँच जाऊँगा पहुँच जाऊँगा पूछ लूँगा मैं तो उसमें जैसे उलझन मैंने काफ़ी टाइम में लिखा था कितने टाइम में उलझन में मेरे को लगा था तकरीबन मही, महीना लगा था उसको कम्प्लीट होने में सिर्फ लिखने में लिखने में नहीं मतलब दो तीन हफ्ते लगे थे मुझे पूरा उसको लिखने में क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा ऑफिस के बाद जब मैं बैठता था तब मुझे ब्लॉक लगा हुआ था तब मैं उलझन में ही था सही तो मुझे वो ब्लॉक लगा हुआ था तो उसके पास वो ब्लॉक हटाने के लिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा फ़ोर्स करके उसको लिखना शुरू करा उसके चार बार लिखे फिर उसके बाद दूसरे दिन आता था मैं जॉब से फिर उसको थोड़ा और पूरा करता था तो ऐसा ऐसा वो उलझन से मैं निकला ऐसे था सही लेकिन प्रैक्टिस कैसी थी कि आप काम से आते थे अब काम काम आपका था रात में काम से आते थे, थे फिर क्या बस अपने आप जबरदस्ती बैठना है डेस्क पे या जहाँ पे भी हाँ बस वो निकालनी है माहौल बनाना है हाँ म्यूजिक लगाना है बीट लगानी है उसको सुनना है उसको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करनी है हम्म ये अपना एक मेहनत थी मतलब अब ये आप समझ जाएंगे तो आप लिख लेंगे <laughs> नहीं ब्रो मेरे से नहीं लिखा जाता ईमान अगर आप अगर ये समझ जाते तो फिर ना ब्रो कुछ लोगों में हुनर होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है हाँ, बस मतलब आ, मैं ऐसे करता था हाँ, हाँ। और जो है अपना मेरी बातों का बुरा नहीं मानिए क्यों, क्यों क्यों, क्यों, बुरा मानूंगा मैं माजरत में नहीं नहीं क्यों माजरत? पहले आ, आपको बता दूं अभी तो कुछ बोला भी नहीं आपने <laughs> कि मैं अक्सर बहता बहता ज्यादा बोल जाता हूँ बोलो यार क्या हो गया बस आपको यार देखो मुझे सिर्फ एक परेशानी होती है कि आपको मसला ना हो जो सुनने वाले मुझे आपसे मसला होता तो मैं होता ही नहीं नहीं आपको अपनी बातों से मसला ना हो बाद में बाद में जब आप सुनोगे आप बोलोगे यार ये बोल दिया इशू है देख लेंगे आपके साथ बैठ के <laughs> कोई ऐसी बात नहीं है देखिए आप कहाँ रहते हैं अकेले ही रहते हैं हाँ ये भी एक पूरी चीज ऐसी है। बात नहीं है कभी अकेले रहे हो आप मैं अकेला रहा हूँ तकरीबन महीना दो तीन महीना वो कैसा वो कैसा एक्सपीरियंस था मैं वैसे घर में भी ज़्यादातर अकेला ही रहता हूँ अपने ख्यालों के साथ अपने अप, मतलब के रात रात में ऑफिस चले गए बाहर निकल गए थोड़ा स्टूडियो चले गए रात में आए सोने के लिए तो ऐसी रूटीन रहती है तो अकेला रहना इतना मुश्किल था नहीं, नहीं आपकी आदत हो गई थी सही है सही है और राइटिंग जब अगेन फिर उसी बात पे आ जाते हैं जब आप राइटिंग करते हो तो आप प्रेफर करते हो कि अकेले रहो या लोगों के साथ कैसे अकेले ज़्यादा हाँ सकून में होता है ना बंदा अपने ख्यालों के साथ सही है क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाजा लोग जो हैं वो आपके जाहिर वर्सेस से इंप्रेस होते हैं वर्सेस राइटिंग से आते हैं डिलीवरी स्टाइल भी होता है डिलीवरी स्टाइल तो हर चीज़ मैटर करती है डिलीवरी हाँ। हाँ। राइटिंग रिदम रिदम एंड पोइट्री हाँ सही है सही है तो ये भी नहीं सुना होगा आपने ब्रो बस मैं जो है ना पीता जा रहा हूँ <laughs> मैं पीता जा रहा हूँ कोई बस नहीं बात कर रहा हूँ <laughs> नहीं लेकिन आपसे जब छोटे बच्चे लड़के आके पूछते मतलब जैसे लुक अप टू करते हैं आपको फॉलो करते हैं वो अगर आके आपसे पूछें कि यार हमें भी करना है रैप तो एडवाइस देते हो हाँ मैं कहता हूँ क्यों नहीं करें हाँ लेकिन कहाँ शुरू कहाँ करें शुरू वैसे ही करे कागज पर और कैसे करे जैसे सारे करते हैं होमवर्क करे अपना आप हाँ लोग सब कुछ सीखे उसको अपने पोइट्री करने की कोशिश करे अगर वो कर सकता है तो क्यों ना करे आपने जो है उर्दू में आपको और कोई जबान आती है उर्दू के अलावा मुझे नहीं नहीं पंजाबी आती है थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है ना तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी सीम में रैप किया भोहिमिया ने हाँ है ना और उसके बाद आपके ये जो अपने जे ने बताया था कि जे वाले कराची में थे उससे पहले दो तीन थे इस्लामाबाद में थे, इतने प्रोमिनेंट नहीं थे लेकिन थे आम, आपने कभी सोचा कि उर्दू के अलावा किसी और जबान में उर्दू एक तो आसान भी थी मदर टंग शुरू से ही रही है तो भोहिमिया भी मतलब उर्दू में उसके भी एक दो गाने हैं हाँ, ऐसी हाँ, बात नहीं है नहीं नहीं तो ये तब पंजाबी उर्दू से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है नहीं नहीं तो इसलिए उर्दू हमने शुरू से उर्दू ज़्यादा आती थी तो उर्दू में करा अब एक चीज़ में आ गए तो फिर एक टांग इधर फंसाना एक टांग उधर फंसाने में तो मसला हो जाएगा मसला है मसला है एंड एंड उसके बाद मैं समझता हूँ फिर आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा मतलब दूर नहीं जा सकते दोनों चीज़ में थोड़े आप फंसे ही रहते उलझ और उलझनों में रहते डबल उलझन हाँ अपना जो है

मसले फोकस करने से ओ मसले फोकस करने से और मसले आते हैं लेकिन अगर हम जो है पॉस, hmm. पॉसिबिलिटीज की तरफ आए उनकी तरफ फोकस करें तो और पॉसिबिलिटीज आती हैं जैसे देखिए अभी हम टांगे फैला के बैठे हुए हैं टेबल होती तो शायद टांगे फैला के नहीं बैठे हुए होते <laughs> <टेवल याँ थी। laughs> <याँ पे> <laughs> पे हम कर देंगे ठीक है ब्रो आगे <laughs> उधर कैसे जाती है उधर तो नहीं जानी चाहिए कोई मसले हो रहे अगर टांगे उधर जा रही है तो ये, आ, ये फिर मसला है गाजी साहब मसले ही मसले है ब्रो आपका मसला कोई है ऐसा कोई ट्रैक है जिसका नाम हो मसले मसले बहुत सारे हैं ना तो वो एक ट्रैक में आ, आ नहीं सकते ब्रो मसले हमने डिवाइड करे हुए हाँ मसले एक ट्रैक रखो ब्रो उसमें मैं आपके साथ रैप करूँ फीचर करोगे आप हाँ। आप लिखना शुरू करें जिस दिन आप लिख लेंगे उस दिन मैं आपको मतलब ये काम नहीं हुआ मतलब <laughs> मतलब ये काम भी नहीं ब्रो मैं उर्दू में लिखूँ पता मतलब है मुझे उर्दू नहीं लिखना आती आप इंग्लिश में लिख लें हाँ लेकिन मतलब इंग्लिश में मैं इंग्लिश लिखूंगा उर्दू थोड़ी लिखूंगा उर्दू कैसे लिखूँ मैं रोमन उर्दू <laughs> हाँ रोमन उर्दू लिख सकूँगा मैं सही बात है आप वैसे उर्दू अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हो या इंग्लिश में लिखते हो मैं भी इंग्लिश में लिखता हूँ रोमन उर्दू में अरे क्या बात कर रहे हो ब्रो हाँ आपको उर्दू नहीं लिखना आती प्रॉपर आती है मुझे लेकिन वो उसमें राइटिंग स्पीड नहीं है सही मैंने क्योंकि स्कूलिंग जो करी थी कैम्ब्रिज में करी थी तो उसमें मैंने सारा ये तो ही अच्छे सब्जेक्ट थे मेरे बाकी सब में तो सी सी डी डी आता था कौन से थे अच्छे <laughs> इंग्लिश उर्दू <उड़ु। laughs> आप भी इंग्लिश मीडियम लग रहे हो मुझे नबील बस वो <laughs> मेरी अम्मी ने अच्छा पढ़ा दिया मुझे स्कूल से। अलाम दुरीला, अलाम दुरीला। पढ़ाई पर कभी ध्यान था पढ़ाई पर ध्यान मेरा शुरू में शुरू में था थोड़ा बहुत लेकिन फिर हट गया था क्यों हटा ध्यान मेरा पढ़ाई से क्यों हटा क्योंकि फिर मैं स्कोप मुझे देखा नहीं पढ़ के भी तो तभी मेरा ध्यान हट गया लेकिन शुरू में था नहीं इतना लेकिन आपकी जो पढ़ाई स्कूल मैंने तीन चार चेंज करे थे सही बचपन में ही हाँ हा। आखिरी भी मैंने कैम्ब्रिज भी मैंने प्राइवेट करा था स्कूल से निकाल दिया था मुझे निकाल दिया क्यों निकाला था एक्सपेल हो गया था मैं क्यों हुए थे नबीर मैं हो, मेरी मैनेजमेंट से नहीं बनती थी मेरी सभी एक... हाँ। अच्छे ही थे आपके मेरे हाँ। ख्याल में सही मेरे ताल्लुक उनसे अच्छे नहीं रहते तो मैं बहुत बार स्कूल से निकाला गया था हाँ तो खैर मैंने प्राइवेटली पूरी करी थी अपनी जितनी एजुकेशन मेरी हो सकी इंटर तक मैंने कॉमर्स प्राइवेट कर लिया था फिर बोर्ड ऑफिस के धक्के खा खा के मेरा दिल ही ख़राब हो गया था आगे पढ़ने से ये होता है ब्रो यहाँ पे अच्छा काम करना मुश्किल ही है पाकिस्तान में लेकिन आपका फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप स्कूल से निकाले जाते थे जिन घर हरकतो, <coughs> हरकतों की वजह से कभी गौर किया कि वो हरकतें आप क्यों कर रहे होते थे उस वक्त ये तो बस स्कूल में भी क्या था स्कूल में अभी क्या करें गाजी साहब अब बच्चे थे <laughs> सही है बच्चे थे याद थोड़ी है क्यों कर रहे थे हाँ लेकिन जैसे बाकी लोग नहीं कर रहे थे बाकी लोग भी कर रहे थे बाकी लोग कौन से कम थे मेरे साथ शुरू से ही अच्छे लोग नहीं रहे हम्म सही है नहीं ये मैं कभी, कभी महौल सोचता झूठी जू, गुफ्तू कहा है आपको पता है मैं दो बार एक्सपेल हुआ <laughs> वो समझ रहा होगा मेरी बात है वो तो बातें समझ रहा होगा लेकिन मैं भी सोने कुछ कर रहा हूँ ना मैं भी क्योंकि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ जैसे मैं तकरीबन दो बार एक्सपेल हो गया था एक बार मैं ओ लेवल्स में फेल हुआ था तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों क्योंकि हुनर तो था मेरे अंदर कि मैं पास हो जाऊँ तो फिर मैंने क्यों ऐसी हरकतें की कि मैं फ़ेल हो जाऊँ ना मुझे ये अपने नज़दीक मुझे ये समझ आता है यह फील होता है कि आ, मुझे अटेंशन चाहिए थी तभी तो मैं ऐसी हरकतें करता था कि ना मैं किसी तरीके से अपने जो मेरे दोस्त थे जो दोस्त यार थे उनकी किसी तरीके से मैं इज़्ज़त हासिल करूँ इज़्ज़त हासिल करने का मुझे उस वक्त ये तरीका समझ आया कि मैं टीचर से बदतमीज़ी कर लूँ जैसे ना बदमाश बन जाऊँ या ऐसा कुछ तो शायद मेरी इज़्ज़त बढ़ जाए जो एक होता है मतलब जाहिर गलत था लेकिन अब मुझे समझ आता है कि मैं इस वजह से कर रहा था और इस वजह से मैं एक्सपेल हो गया था तो ऐसा कभी आप सोचते हो कि नहीं क्यों? मैं ऐसा कभी बिल्कुल नहीं सोचता थोड़ा <laughs> सा भी नहीं हाँ हाँ मेरा कभी ऐसा ख्याल नहीं आया नहीं मैं एक्सपेल मैं एक्सपेल होता था लेट आने, लेट चोटे आने चोटे पे लेट छोटे छोटे मसले पे छोटे छोटे मसलों में मेरी बनती नहीं थी न तो खैर मैं थोड़ा बदतमीज़ी कर जाता था सही है तो उनको मेरा लहजा पसंद नहीं आता था तो मैं बाहर हो जाता था सही है सही है तो हाँ ठीक है उनको बदतमीजी लेकिन हाँ ठीक है चलो बदतमीजी नहीं अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी यार अब वो आपकी सीडी खरीदेंगे नहीं सीडी तो सीडी का ज़माना ही नहीं है अब वो आपका स्पॉटिफाई पे हाँ स्पॉटिफाई पे आप हो ना आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है अब क्योंकि सीडियो का जमाना ही नहीं है यही है Spotify? Spotify, YouTube. Spotify, YouTube. Hmm. और ज़्यादा पे सुने तो फायदा hmm. है ना आपका जे ने भी मुझे ऐसा कुछ बताया था स्पॉटीफाई तो आपका मतलब <laughs> तो सी बात है क्योंकि मेरा अपना भी टेक्निकली काम आप वाला ही है ना मैं भी ऑडियो है ना ज्यादा तो मुझे भी अगर स्पॉटिफाई चीजें आ रही हैं और आ, आपको तो हिप हॉप का शो करना चाहिए ना फिर प्रॉपर यहाँ हॉप की चीजें लगानी चाहिए ब्रो। मैं तो हर किसी से बात करता हूँ ना ब्रो ब्रो मैं तो हर किसी से बात करता ना अच्छा हाँ हर किसी से आपसे पहले वाली जो खातून थी आपसे पहले वाले नहीं आपसे पहले वाले भी म्यूजिशियन सॉरी उनसे पहले वाले जो थे वो फोटोग्राफर हैं उनसे पहले वाली जो है वो डॉक्टर हैं मैं तो ये भी अच्छा है तो आप वो मुन्ना भाई की तरह चेंज कर ले चेंज कर ले सर चेंज कर लेगा हाँ ये होना चाहिए ब्रो लाइटें वाइटें मेरी होनी चाहिए फुल कलर वाली जैसे ही कोई रैपर आए तो कलर चेंज हो जाएगा ऐसा कुछ होना चाहिए माहौल माहौल होना चाहिए सही, है, सही है फिर क्या बात कर रहे थे गाजी साहब हम ब्रो पता नहीं अब तो मैं भी बह गया <laughs> <laughs> नहीं हम बात कर रहे थे इस बात की कि, कि आपको कभी भी ऐसा बदतमीजी करने पे आप निकाल दिए जाते थे तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बदतमीजी इसलिए करते थे क्योंकि अथॉरिटी होती थी आगे से वो वो भी तो कुछ करते हो ऐसे ही कोई पागल तो नहीं होता ऐसे बदतमीजी करें छोटे थे काजी साहब आप मुझसे कल का पूछेंगे याद नहीं रहेगा आप इतने डिटेल में थोड़ी याद है मुझे ये चीज़ नहीं नहीं लेकिन जैसे अभी भी आप जो है खैर ये था कि ऐसे मेरी एजुकेशन पूरी हुई थी यही एजुकेशन थी उसके बाद मैंने इंटर करा उसके बाद इंटर भी ऑफिस के साथ ही करा उसके बाद चलते रहे जिंदगी के साथ इंटर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी स्कूल से अगर मैं आपसे पूछूँ इंटर में वो भी मैंने प्राइवेट करा था कॉलेज <laughs> से भी निकाल दिया था मुझे उसने भी लेट आने भी निकाला था लेट आने पे कौन निकालता College है कॉलेज में हमारा वो था जरा पार्टी वार्टी का चलो तो किस, किसका नहीं होता है ब्रो किसका नहीं होता है तो स्कूल में नहीं बनी तो कॉलेज में कैसे बनती मेरी <laughs> ये बात भी ठीक है तो वो भी मैंने प्राइवेट कर लिया था सही है पहले से ही बंदोबस्त करा हुआ था मैंने सही है तो उसमें जो है जो भी आपने पढ़ाई उस... की सीखा क्या मतलब कोई ऐसी एक चीज़ हो जो आप... मैंने यही लैंग्वेजेस ही सीखी हैं जो अच्छी सीखी हैं वह वही है एजार राय हाँ यही कह लें हाँ एक्सप्रेशन आपने अपना एक्सप्रेशन डेवलप किया सही है इंटरेस्टिंग अगर अगर आप हम रिवाइंड करते और हम आपके पास कोई राइटिंग का या इसका रैप का ऐसी कोई होती है आपके पास ऑप्शन के रैप का ही आप वो कर लो कोर्स कर लो या पढ़ाई कर लो उसमें करते उस वक्त क्योंकि तो, तो होता है म्यूजिक का इतना लोगों को पता नहीं था तो ये कैसे होता ये तो आप नामुमकिन बात कर रहे हैं क्योंकि बाहर तो होता है ना ब्रो बाहर तो अरसे से हो रहा है अभी हाँ यार बाहर तो सब खराब है लेकिन आपके घर वाले जो हैं वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं इस म्यूजिक को परस्यू करने पर म्यूजिक घर वालों से मेरा कोई इतना वो नहीं है कि उनका अब तो सीन अच्छा हो गया है जैसे आपके सामने हाँ। तो घर वाले भी खुश, है, हम भी खुश हैं हम खुश हैं हाँ, हाँ। हाँ। लेकिन एक जमाने में परेशानी थी उनको भी कि यार ये क्या तब तब इतना पता नहीं था ना किसी को कि तो परेशानी छुपी रही परेशानी मेरे साथ रही सही सही आप उस वक्त काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि काम कर रहा है ठीक है हाँ तो मैंने उस वक्त इतना गौर भी नहीं उस वक्त मैं लिखता था लेकिन क्या किसी को क्या पता चलता था नहीं। नहीं। लेकिन आपको कब पता पड़ा वन डिड यू फाइंड आउट कि यार ये कुछ है कुछ दम है इन चीज़ों में जब मैंने ये रिलीज़ करना शुरू करे गाने हाँ हाँ उसके बाद रिस्पॉन्सबिल हाँ वो वॉज देट फील वो कैसा फीलिंग था कि और लिखूँ अच्छी चीज़ है लोगों को समझ हाँ। आ रही है मोटिवेशन आती है अच्छी अच्छी चीज़ आप एक अच्छा पॉडकास्ट करेंगे आगे आपका दिल करेगा किसी अच्छे बंदे से बात करने का

ऐसा कोई फील होता है या होप होता है कि जो है आपके गाने जो हैं इंग्लैंड कैनेडा यहाँ पर भी बजे कराची वाला तो वहाँ पर भी है पाकिस्तानी तो वहाँ उर्दू समझने वाले बहुत हैं वहाँ पर तो ऐसे कभी feel... जानने वाले भी हैं नहीं जानने वाले तो लेकिन वो तो क्योंकि इसलिए सुनेंगे क्योंकि आपको जानते हैं ना लेकिन बताते हैं कि हैं यहाँ पे फैंस वगैरह हाँ तो कभी ऐसा भी, जैसे कॉन्सर्ट्स बजाते हो यहाँ अलहमदिल्ला कराची में तो किया हुआ है आपने कराची के अलावा और कहाँ कहाँ किया हुआ है मैंने शोज़ इतने करे नहीं हैं क्योंकि म्यूजिक भी मैंने इतना करा नहीं इतने गाने कहाँ बनाए तो अभी ही शुरू करें तो अभी एक कराची में करा था लास्ट हैदराबाद एक शो में गया हुआ था उसके बाद रमज़ान में आ गए सही अलहदल्ला तो अब आगे देखते हैं क्या सफ़र है इनशाला खेर करेगा अल्लाह लेकिन रीसेंट आपका जो है ये शोज़ आपने रीसेंटली बजाना शुरू किया बिल्कुल रीसेंटली ठीक है और किन किन शहरों में बजाना चाहोगे एंड वुड यू लाइक टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे ज्यादा वाले आउट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल जाना चाहेंगे क्यों नहीं जाना चाहेंगे लेकिन स्टेज पे चढ़ने से डर नहीं लगता होता है अक्सर मुझे तो बड़ा लगा था पहले दिन जब बहरिया का आप बता रहे हैं ना हाँ। जिस दिन बहुत बड़ा क्राउड था बहरिया का ब्रो मुझे बहुत अब भेजिए मैं आपको कैसे समझाऊँ कि फट गई थी ऐसे होता है ना यही कह लो आप फट हाँ, गई थी हां मतलब इतना क्राउड सो लोग, लोग कि, कितने लोग थे बहुत लोग थे बहुत आदमी था हर जगह आदमी था और स्टेज भी ऐसे बीच में था बीच में स्टेज चारों तरफ ऊपर बालकनीज पे भी वीआईपी वी मैं और जोके पहुंचे थे वहाँ पे दोपहर को दो बजे तो साउंड चेक वगैरह में सब कुछ चीजें वगैरह करते-करते रात तक हम लोग काफी थक भी गए थे उसमें थोड़ी जोके की भी तबीयत खराब हो गई थी उस दिन पता लेकिन अच्छा शो था वो बहुत शो बहुत था बजाने था जब स्टेज पे बंदा चढ़ जाता है ना उसके हाँ। बाद उसका वली मेरे साथ था, वली मेरे कंधों पे हाथ रख रहा था बार बार वाली सब बेहतरीन है सब एवन है शेर है तू हाँ अपने आप को आप डाउट कर रहे थे ऐसा हाँ ऐसा था बिल्कुल यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ऐसे हाँ तो एक दमी इतना चेंज आता है ज़िंदगी में तो थोड़ा हज़म करने में तो टाइम लगता है ना बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है लेकिन तो आपने लिख रहे हो तो आप कब से हो और बना भी आप कब से रहे हो कभी ये था कि शो बजाना है या अब सिर्फ ये था कि स्टूडियो में रिकॉर्ड करना है गाने रिलीज़ करने है हमारा तो वहीं तक था कि स्टूडियो में रिकॉर्ड करना है रिलीज़ करना है हाँ शोज़ वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइस आगे जाके कोक स्टूडियो वगैरह लाइने खोलने सारी अलहमदिल्लाओ हम भी देख रहे हैं आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं हाँ ब्रो आएंगी क्यों नहीं आएंगी इन क्यों नहीं आएंगी कोक स्टूडियो कोक स्टूडियो वॉज बिग कोक स्टूडियो वॉज वेरी बिग और ये वाला ख़ास तौर पर ना इसमें आप देखो ना दोनों तला आए और बहुत अ, अच्छे आर्टिस्ट के साथ आए फारज़ आया अपना हसन रहीम आया ये सब हमारी जनरेशन की टेक्निक हसन रहीम रैपर नहीं है लेकिन जनरेशन तो वही है ना और वो भी न्यू जनरेशन का म्यूज़िक है ऐसा ही है और प्रोमिनटली फीचर हुआ आप ये दुनिया भी बहुत बहुत अच्छा और जो आखिरी था फिर मिलेंगे तबाही कर दी यार बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से ये है ना कि बार ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है हाँ तो आगे इन आगे अच्छा होगा ऐसी चीज़ को देख के आप एक्साइट होते हो या नर्वस होते हो ये चीज़ें तो मोटिवेट करती हैं कि बारो पर देख रहो कि आगे स्कोप बढ़ रहा है पहले तो स्कोप था नहीं तो डाउट रहता था कि अब ख़त्म हो जाए तो क्या करोगे अब ख़त्म हो जाए तो क्या करोगे अगर मैं फुल टाइम म्यूज़िक को दे रहा हूँ तो अगर ये अब ख़त्म हो जाए अब मेरा ब्लॉक लग जाए राइटर ब्लॉक मुझसे कल को गाना ना लिखा जाए तो मुझे वापस नौकरी पर जाना पड़ेगा तो एक डाउट एक डर रहता है हुँ। हुँ। अभी भी रहता है अभी भी रहता है ऐसा नहीं कर यार अभी तो खैर अपॉर्चुनिटीज जो ये आप कह रहे हैं कोक स्टूडियो शोज वगैरह देख के तो फिर तो इससे तो बंदा फिर खुश होता है ना ब्लॉक ही हट जाता है ब्लॉक बोलते हैं एक पिल्ट करो गर <laughs> अभी पूरा करो <laughs> सही, सही और सही, गाने सही, बनाओ सही सही बट गाने जो हैं आपकी उसी नोयीत के रहेंगे जिस जिस नोत के हैं उलझन जिस नोत का है तलाश इसी किस्म के किसी और चीज़ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ क्या करेंगे साहब गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले लेंगे सकून से चलाएंगे किसी को दिखाएंगे नहीं नहीं दिखाएंगे <laughs> अच्छी बात नहीं है नज़रों में आ जाता है आपको पता है कैसा शहर है ब्रो शहर खतरनाक है प्यार इसी से है, लेकिन है खतरनाक <laughs> मोहब्बत इसी में और फ़ायदा इसी में है कि आप सकून से चलें सकून से चलें अंडरग्राउंड चले हाँ अंडरग्राउंड अंडर कवर लेकिन नबीन आप जो भी हो आप वही दिखाते हो ना आप बनने की कोशिश तो नहीं करते हो ना

ज़्यादा ऐसी चीज़ का है ना कि वो दूसरा लड़की किलो इसमें है लाए। अच्छा लाइट है ज़्यादा ज़्यादा कोशिश यही है कि दूसरों को भी पता पड़े ना आपके जो फैंस हैं या जो भी सुन रहे हैं उनको भी पता पड़े कि आ, आपकी ट्रजेक्ट्री क्या रही है ये तो है हाँ लेकिन तो क्योंकि देखो अगेन वही वाली बात है ना बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में का शिकार हो जाते हैं कि यार अगर नहीं है तो बना लेंगे लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते हो ना आपकी जो जिंदगी रही है आप वो उसके बारे में गाते हो ये तो है हाँ <laughs> हाँ हाँ सही है। हाँ सब इन सब सब, सब सवालों का जवाब था हाँ जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऐसे ही है ब्रो इंटरेस्टिंग थोड़ा और माइक को करीब कर ले प्लीज Thank you. Bro, ये पता है है क्या मैं पहले जो ना से करता था अच्छा। बूम होते हैं यहाँ पे ऐसे दीवार पे लगे हुए पिछला वाला स्टूडियो उस, उस, उस बना हुआ था उसमें लेकिन आवाज क्लियरली नहीं आती है मजा नहीं आता है अगर आप सिर्फ ऑडियो पे बैठ के सुनो ना पे नहीं कोई मसला नहीं है साहब हम एडजस्ट कर लेंगे हाँ इनशाला आप इन चीज़ों में मिक्सिंग में आप सिर्फ अपना काम राइटिंग डिलीवरिंग गुड डन ठीक है और ये जो है आपका किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम करने का सोचा है Besides? किसी और प्रोड्यूसर के साथ करा भी है मैंने और प्रोड्यूसर्स वगैरह के साथ हाँ लेकिन मज़ा किसके साथ आता है साथ मज़ा तो जोखे के साथ उनका बहुत thing अच्छा thing काम okay है। हाँ उनको बहुत अच्छा काम ये ये कहानी आपको बतानी थी जोखे भाई का नाम कैसे पड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग कहा बहुत क्यूट सी कहानी है वैसे नाइस nice सी कहानी है वो जब हम ताज पे बैठते थे तब एक बच्चा आता था अभी भी है वो माशाल्लाह बड़ा हो गया अब तो हाँ। खैर वो वो भी फारिग होता था वो भी आगे हमारे साथ बैठ जाता था सही पूरे हिप हॉप गैंग के साथ हाँ। तो वो बड़ा शरारती सा बच्चा था बहुत उसकी बातें बड़ी मजा आइयाँ थी तो वो उसको कहता था एवरी इज ओके वन योर विद ओके तो खैर वो उससे नाम उसका निक नेम होता 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 हो, उसने प्रोमिनेंट ही कर लिया अपना सही उन्होंने भी करेक्ट नहीं किया उन्होंने बोला ठीक है ये अगर बोल रहे हो बोलते तो वो सबकी जबान पर चढ़ गया तो उसने प्रोमिनेंट कर लिया फिर लाला अंजुम का जो वो आया था गाना जोखे और में जोखे और सुना है वो आपने वो सुना है मैंने क्या वो सुना है लेकिन बीच में दोनों तलाश का भी तो थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था ना बीच में है ना उस टाइम इख्तलाफ देखिए लड़ाइयाँ किसमें नहीं होती सही है भाइयों में ही होती है अच्छा इख्तलाफ वो आपस में सब हाँ, खत्म हो गया अलहमदिल्ला अगर वो इख्तलाफ खत्म नहीं होता तो कितने मसले हो जाते यार बहुत ज़्यादा मसले हो जाते और उसी दौरान वो जोखे से मैं मिला था उमेर खान से जब मैं प्रोडक्शन वगैरह कर रहा था ना तो वो ये दोनों ने मेरी मुलाकात नहीं हुई थी अच्छा मैं नहीं जानता था कि पॉयस कौन है यंगस्टर्स कौन है सुना हुआ था मैंने हाँ। लेकिन मेरी एज इन बातचीत दोस्ती यारी नहीं थी मैं उमर खान से मिला था ठीक है तो उससे मेरी उस वक्त अच्छी बातचीत हो गई थी सही है इनसे कब मिले थे फिर आप मैं इनसे मिला खाना बदोश के बाद ठीक है मतलब हाँ। ये जब ये जज्बात में फलाजुम से मिला मैं वो अगर आपने सुना सुनाया आपको सुना है मैंने आजा बात करें जिंदगी की फिर आगे झोंके के साथ रह रहे के मुलाकातें होती गई ठीक है तो अब अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छी दोस्ती है बातचीत है अलहमद इनसे ये बताओ मुझे आप जो है तला यूनिस से क्या सीखा तलाजुम से क्या सीखा इंस्पायरेशन है <laughs> दोनों जागती इंस्पायरेशन है और क्या है लेकिन इन दोनों के बहुत यूनिक स्टाइल्स भी हैं अपने अपने तो वही है ना अगर वो ये सोचने लग जाए कि मेरा स्टाइल के बारे में दुनिया क्या सोचेगी मसला हो जाए तो वो भी फिर रीएडजस्ट करेगा चेंज हो जाएगा इतने सालों से वो स्टाइल कैसा हो गया आप जो आप खुद कह रहे हैं बर्गर है कराची और रूप आप ज़मीन आसमान है आप देख लो ना एवोल्यूशन है बाकायदा पूरी एवोल्यूशन है और फिर ये कोक स्टूडियो वाला स्टाइल रखा ना शुरू से और आपको शुरू में बुरा लगा बर्गर है कराची रो यार देखो अपने ऊपर कौन बढ़ता है लेकिन अब आपको वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ अब आप समझ रहे हो समझ रहा हूँ समझ आती जा रही है मुझे क्या बात है बस देखिए थ्रू आउट द पॉडकास्ट एवोल्यूशन मेरी भी हो रही क्या है अब हो रहा है बस होता जा रहा है ये नहीं अब तो बहुत <coughs> बहुत ख़तरनाक एवोल्यूशन है स्पेशली ये जो लास्ट वाला है ना क्योंकि फिर अगेन अफसाने के बाद ये जो कोक को स्टूडियो वाले वर्सेज हैं ये फिर और मुख्तलफ हैं यू नो और, और वही वाली बात है इस मौजू पर मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है ये मौजू आ गया क्योंकि ये स्पेशली जो फर्स्ट वाला था ना ये दुनिया ये दुनिया डिप्रेशन के बारे में ब्रो डिप्रेशन के बारे में तला यूनस का पूरा गाना है मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मसला है और हमारे म, है। म, माशरे में स्पेशली जो जवान जो हमारे मिडिल मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो अभी तक इसको गाली समझते हैं कि आप थेरेपी करा लो कि आपके दिमागी तोजुन सही नहीं है इस चीज़ को ये गाली होती गाली नहीं है ब्रो ये ये केमिकल मसले ये होते हैं हर किसी के साथ ये ये करवाने चाहिए चेक करने चाहिए ब्रो बिल्कुल इनका इनका हल होता है इनका तोड़ है और इनको जो है अगर आप इग्नोर करोगे बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं सही कह और उस उ, उसके ऊपर मतलब यू you नो know, आर्टिस्ट स्टार्स आके इस किस्म की बात करें ये काबिल है बहुत अच्छी बात है काबिल एहतरा देखा उर्दू चेकीो देखो, देखो भेजिएगा हाँ, आप, आप सर वैसे बेजार हो जाएगा। आ, लेकिन, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा कुछ बंदोबस्त कर लेंगे लेकिन तो आप जैसे ना तला अंजुम जो है जो ये दुनिया में बातें थी कि अगर कोई नहीं है तेरा तो मेरी जॉँ खुदा ये बहुत हैवी बात है ये बहुत सीरियस बात है और आप सोचो लोग किस किस कैफियत में ये गाने सुनते हैं यू नो तो एंड देन बहरहाल तो ये आई थिंक जो सबसे बड़ा किरदार है इन लोगों का अब वो यही है कि हमारे जो नौजवान हैं या हमारे जो भी आपके आप लो लोग के लिसनर्स हैं उन लोगों की भी दिमागी कैफियत या हाँ वो भी मेरे जैसे ही हैं ब्रो आप जैसे नहीं है उनकी उनकी अच्छी नहीं है ना ब्रो आप तो अलमदिल्ला सेट हो ना उनकी अच्छी थोड़ी है ब्रो उनकी वो बहुत नाजुक सूरत हाल है ना जैसे आपने उस किस ये कोई ये कौन था किसके शो में ये मशहूर हुआ था नाजुक सूरत हाल है आ, क्या नाम है उनका यार आमिर भाई आमिर भाई अपने उनके शो में कैसा दिया? बहुत दिया बहुत अच्छा दिया बहुत अच्छा दिया पता नहीं आमिर भाई भी एक माशाल्लाह पूरे <laughs> सुपरस्टार है समझ नहीं आता उनका भी मुझे अगर उनको ब्रो कितने लोग देखते हैं देखो आप

कोक स्टूडियो सुन रहे हैं हर कोई अच्छे हालात दिमागी हालात में नहीं होता है ब्रो मतलब इकोनॉमिक हालात भी चलो लेकिन ये जो दिमागी हालात हैं ख़तरनाक इसलिए होते तो हैं क्योंकि नज़र नहीं आते ब्रो एक मैंने शहरी खतक के साथ पॉडकास्ट हुई थी जो ये दुनिया में गाया था ना उन्होंने तो उन्होंने उन्होंने एक दो मैसेज शेयर किए ट्वीट शेयर किए कि यार आ, मैं जो है मतलब कोई मंदा या खातून थी वो बोल रही थी कि मैं अपनी जान लेने वाली थी ऐसा होता है और मैंने ये गाना सुना और फिर मैंने यार ये तो बहुत हैवी हो गया ब्रो ये तो बहुत ख़तरनाक हो गया मतलब ऐसे, ऐसे लोग मिलते हैं वो और डराते हैं डराते हैं मतलब के वो अपनी स्टोरीज वो बताते हैं फिर हाँ तो अच्छा लगता है मिलके के यार वो खुश हो रहा है आपको ऐसे कोई मिला मुझे ऐसे मिले हैं बहुत मिले एक एक लड़का था फैसलाबाद में हाँ वो मुझे ना बड़े अनोनिमस टाइम पे कॉल करता था कॉल करता था हाँ पता नहीं कहाँ का था उसका नाम भूल गया मैं लेकिन वो बहुत ना अनोनिमस टाइम पे जैसे रात को साढ़े तीन कभी और अचानक से अनो नंबर से कभी कभार मैं उठा लेता था, था कभी कभार में नहीं उठाता सही तो मेरी जितनी बार भी बात हुई ना उससे दो तीन बार मेरी उससे बात हुई तो मैंने उससे अच्छी तसली से बात करी सही क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में था सही फिर उसने अब ड्रग अब्यूज़ शुरू कर दिया था उसकी नौकरी वग़ैरह चली गई थी तो वो उस फैमिली वग़ैरह से दूर हो गया था तो वो इंस्पा सुनता था गाने वो ये वो रिलेट करता था वो फ़ोन कर देता था, था रात में कि मैं क्या करूँ मैं ये वो तो उस... उसकी खैर बात वो अक्सर रात में मेरे को डरा देता था, था। उसको मैं समझाता था कि ये वो खैर उसने आखिरी बार जब मुझे फ़ोन करा था तो उसने यही बताया था कि मैं अभी जिम में स्टार्ट कर रहा हूँ सही वर्कआउट कर रहा हूँ और अच्छा मुझसे कोई पंद्रह साल बड़ा बंदा कोई उसकी थर्टी सिक्स ईयर उसने एज बताई अपनी ना कर यार तो खैर ऐसे लोग मिलते रहते हैं ऐसे लेकिन आपको ये अपनी ज़िम्मेदारी लगती है कि आप अपने फ़ैंस को ऐसे कोई कंटेंट दो जिससे उनके हालात बेहतर हो ये आपकी ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना ज़िम्मेदारी तो नहीं है खैर लेकिन अब जो आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा ऐसा है ब्रो मैं तो यही समझ के करता हूँ सही है लेकिन मतलब बस ये बोलने का मकसद ये था कि आपको ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप मद्देनज़र देखा तो हो, क्या बात है देखो, सिखा रहा तो हूँ दे, आपको।, <laughs> आपको ये मांड़ मांड़ नहीं, आपको मद्द नजर ये रखते हुए चलना पड़ेगा कि आप खुद भी एक इंसान हो ना आपका अपना भी तो तवाज़न ऑफ हो सकता है ना कभी कभार हो जाता है हाँ तो फिर उसमें अपने आप को ब्रेक देना भी बहुत लाजमी है ना अपने आप को भी दे कभी कभार ब्रेक हाँ क्योंकि हर वक्त अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो ये तो आपके साथ भी फेयर नहीं है ना ये आपके साथ नाइंसाफ़ी है ये तो है गाजी साहब लेकिन लोग ये बात समझते नहीं है ना अक्सर हाँ नहीं समझते मुश्किल हो जाता थोड़ा समझाना क्योंकि अब जो है अब स्पेशली आजकल Instagram इंस्टाग्राम के थ्रू तो हर किसी के पास टेक्निकली तो रास्ता है कि आप पे पहुंच जाए बहुत सारे अजीब मैसेजेस भी आते होंगे सबको ही आते हैं हाँ ये तो है रो, इत, इत, इतने दांत क्यों निकाले है? इतने कौन से अजीब मैसेज आ गए तो ये तो बहुत ख़तरनाक हो गया नहीं मतलब इसी तरीके के याद आ गए ना <laughs> मैसेजेस वगैरह सबसे अजीब कौन सा मैं है? देखता नहीं हूँ सबसे अजीब कौन सा है मैं डायरेक्ट डिलीट मार देता हूँ सारे है? हाँ हाँ मैं स्टोरीज वगैरह अक्सर देख लेता हूँ हाँ। मेरा फोन ज्यादातर वैसे ख़राब ही था बीच में हाँ। मेरे फ़ोन में ये देख देखने का मसला है थोड़ा ये अच्छा फ़ोन है इसमें इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है तो स्टोरीज वगैरह मुझे दिखती नहीं है यार ये ये आप जानबूझ के करते हो <laughs> ये ये पुराना नोकिया का फोन है हाँ ये आसान है रखना हाँ हालात के हालात मद... के मद्देनज़र रखते हुए नहीं मतलब एंड्रॉयड वग़ैरह है मेरे पास एक उसको कभी कभार खोल लेते हैं लेकिन ज़्यादातर मैं इसी पे क्यों डिस्ट्रैक्शंस हाँ ये ये, ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं हाँ ये बड़ी अच्छी बात है यार मैं ये वाला फ़ोन ले घूमता हूँ सही है ये तो सबको करना चाहिए मेरे ख्याल में नेटवर्क चलता रहता है हमारा हाँ अलहमदिल्ला नहीं नहीं ब्रो ये ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है आपकी पता है क्योंकि मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था कि बहुत सारे जो आपके दिमागी मसले होते हैं ना दि दिमागी सेहत के मसले जो मेंटल हेल्थ दिमागी सेहत के जो मसले होते हैं देख रहे हो वो वो जो होते हैं ना इन चीज़ों से बहुत लिंक्ड होते हैं सोशल मीडिया से बिल्कुल जितना आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे सोशल मीडिया उतना ये दीवारें चाट रहे हैं ख़त्म ही नहीं होती कभी दीवारें चाट रहे हैं क्या आजूद माजूद का आपने रेफरेंस दे दिया <laughs> ये तो वैसी लगती है <laughs> कैसे समझाओ मतलब जो आप रेफरेंस दे रहे हैं आजूद माजूद का कि दीवार आएगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी हाँ उसी तरीके की दीवारें हैं अगर देखा जाए तो कर दी रहे नहीं नहीं ये बहुत अच्छी बात है हाँ मेरे माइंड सेट से तो ये ऐसी बात है लेकिन वही है मैं भी इस्तेमाल करता हूँ आप भी इस्तेमाल करते हैं कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से नहीं मजबूरी है हमारी तो क्योंकि हमारा काम इस चीज़ पर लेकिन आपने कंट्रोल तो किया हुआ है मैं इतना ही हाँ। इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हाँ लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग हमने बात बोली क्योंकि हम हाँ स्क्रोल करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली ना कुछ भी नहीं है और और कभी भी ख़त्म नहीं होगा कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता अगर अगर हज़ार फॉलो आप बैठ जाए मैं बैठ जाता हूँ अक्सर दो घंटे गया तीन घंटा गया पता ही नहीं चला ऐसे बिल्कुल ऐसे ब्रो कोई है ना हजार आ गए फॉलोअर अब दस हजार चाहिए दस हजार आ गए लाख कब होंगे लाख आ गए अब दस लाख कब होंगे चलता रहेगा इस तरीके से ये ये तो लव योर्स हाँ हाँ लव योर्स आप कोई है वैसे लेवल है कि यार इतने फॉलोअर्स होने चाहिए नहीं कोई भी नहीं है जितने हैं वो भी अच्छे हैं वो वाह वो यही हाँ हाँ जितने वही अच्छे यही ठीक है ब्रो ठीक हाँ। हाँ, है आई थिंक दैट्स फिर आप ये देखो अपने <coughs> अल्लाह खैर करे अपना ये जैसे अब जैसे अभी आप लेबल के लेबल, लेबल तो है ही नहीं खैर ये फील करते हो कि लेबल होता तो शायद ज़्यादा मुनासिब होता आपके जो लीगल मार्केटिंग ये सारे जो मसले हैं अगर कोई हल मतलब डील करने वाला होता तो क्या होता तो क्या ना होता काजी साहब आप लोग बना लो मिल यार आप लोग सब दोस्त ये भी अच्छा आइडिया है मैं जाके बात करूंगा आप जाके बात करें अपने लोगों से शायद कुछ आ, हो जाए लेबल खोलेंगे एक जोखेगा हाँ। उसमें सारे अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट साइन कर लेंगे तो टेक्निकली आप तो नहीं हो ना अब अब तो आप भी तो तो उनको उनके लिए भी होगा ना आगे फिर लेबल में तो और आर्टिस्ट आएंगे ना फिर पाँच छह क्या करेंगे लेबल का क्या नाम रखेंगे ये तो सोचना पड़ेगा ना अभी तो बात भी नहीं करी है मैंने नहीं 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 मतलब बात तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि बात जो जोखे भाई बोलेंगे हाँ कर लेते हैं खाना बदोश लेबल का नाम भी खाना बदोश लिख दो खाना बदोश बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लेबल का नाम भी खाना बदोश लिख दो हाँ। खाना बदोश खाना बदोश लेबल का नाम है और इसका जो है खासियत ये है कि ऑफिस नहीं है जहाँ बैठते हैं वहाँ ऑफिस हो जाता है खाना बदोश है मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको बस देखिए कभी किसी चाय ढापे पर बैठे हुए हैं कभी कहीं कभी, कभी हैं। कहीं पॉडकास्ट में बैठे <laughs> सब मिल गए <laughs> यहाँ पे मीटिंग शुरू हो गई होस्ट को एक तरफ कर दिया यहाँ पे मीटिंग करना सॉरी बहुत ज्यादा है आप ब्रो वैसे क्यों नहीं और पॉडकास्ट पे क्यों इंटरव्यूज तो कोई करने वाला नहीं है कौन है आपके अलावा कौन कर रहा है हिप हॉप का तो मैंने नहीं कोई देखा आप आपने ही लिए आखिरी इंटरव्यूज लिए हैं जो मैंने जो आखिरी थोड़ा बहुत देखा था वो सुल्तान का देखा था प्रो सुल्तान का हाँ। क्यों देख लिये ऐसे ही वो <laughs> इतना मज़ेदार था मुझे हीरा बंदा लगता है बहुत अच्छा बंदा हाँ, लगता है मुझे बहुत, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी है हाँ। उसके साथ मैंने काम करना है अच्छा उसका नहीं किया अभी तक उसके साथ नहीं किया मजा आएगा करना इनशा लेकिन और उसने जो आप सोचो पूरे पॉडकास्ट एक घंटे का था शायद उसमें दो तीन ही उसने बातें की लेकिन दो तीन इतनी भारी बातें की जिससे मैंने बोला कि यार आप प्लान क्यों नहीं करते हो तो बोलते हैं काजी भाई अगर मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ तकलीफ़ होती है परेशानी होती है अगर पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ तो दुख होता है भाई मैं यहाँ रहता हूँ यहाँ पे मैं आपके साथ बैठा हूँ आपकी हर बात सुन रहा हूँ यहीं पे मेरा म्यूज़िक बनता है मैं यार क्या बात कर दी इसने क्या बात बस चालीस मिनट लगे उसको ये बुलवाने के लिए <laughs> <laughs> कुछ लोग कम बोलते हैं ब्रो सही? अच्छा है। ये भी सही है ये भी सही है अच्छा आपने सुल्तान के साथ नहीं बनाया अभी तक ये नहीं पता था मुझे और किसके ब्रो आप आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया और किसके साथ आप बनाना चाहते हो और सूफी म्यूज़िशन मुझे, ये वो किसके साथ क्रॉस अगर करना चाहो रैपर्स के अलावा रैपर्स के अलावा हाँ यार ये मैंने गाजी साहब को अभी सोचा नहीं यार अभी सोचो ना साथ सोचते हैं ना किसके साथ करूँ मैं यार आप बताओ पता नहीं ब्रो क्या? आप परवीन आप दर्वीन लेजेंड हाँ बस इनशा कभी ना कभी

<laughs> लेकिन हाँ आपदा परवीन हो गई या कोई और किसके साथ कर सकते हैं हर कोई चाहता है आते असलम के साथ करें लेकिन आते असलम के साथ आप कैसे मैच कर सकते परवीन के, के साथ ज्यादा प्रेफर हाँ, आपकी पहली चॉइस हाँ, आप परवीन अच्छी है और किसको और सोचे जैसे इन लोगों ने यंगस्टर्स फैसल कपाडिया के साथ किया मजा आया लेकिन उसके लिए राइटिंग वाइटिंग अलग होनी चाहिए लिखना पड़ा उनको खतरनाक है

नहीं करा गरम भी नहीं सुना मुझे इतना ये दुनिया ये दुनिया हाँ, हाँ, करा वाले ना शेरी घटक ये याद आ गया सॉरी कोई मैं भी थोड़ा लेट हो जाता बस हूं देखो, देखो ब्रो पॉप में आ गया हूँ तो देखो ब्रो अभी <laughs> थोड़ी आराम आराम से मैं आपको सूफी म्यूजिक की तरफ लाऊंगा फिर मैं आपको हरा दूंगा फिर मैं जीत जाऊंगा ब्रो दो चीज़ आप सीखेंगे दो चीज़ें मैं सीख तो ऐसे ही होता है मेरे ख्याल में गुफ्तु का मकसद ये होता है कि दो चीज़ें सीखनी होती हैं दो चीज़ें सिखानी होती हैं और बुरा नहीं मानना होता है बस और कुछ नहीं है सही बात है हाँ इतनी सी बात है ब्रो अगर ये हम सीख लें तो कोई लड़ाई नहीं हो सब सुकून रहे आपने वैसे ये कराची में वो वाला दौर भी देखा है जो एम क्यू एम काज था हर हर जगह ख़तरनाक चीज़ें हो रही थी और आपने अभी ये अब फिर से थोड़ा हाँ। ख़तरनाक हो गया है लेकिन बीच में बहुत सुकून हो गया था वो भी देखा उन चीज़ों के बारे में म्यूज़िक रिफ्लेक्ट करती है आपकी हाँ म्यूज़िक क्यों नहीं करती उन चीज़ों में हाँ बड़ा ख़राब था आप आप मेरे ख्याल में थे या नहीं थे मैं चला गया था उरूज पर चला गया था जिस एरिया में रहता था वहाँ पर एम क्यू का काफ़ी होल्ड था हाँ वहाँ पर तो खैर ये फिर पॉलिटिकल हो जाएगा मामला आप सिर्फ आपने जो देखा वो बताओ ना पॉलिटिक्स के बारे में नहीं मैंने क्या देखा मैंने वही देखा जो सबने देखा खून खराबा रात में नाके लग रहे हैं अलग लोगों के नाके लग रहे हैं मतलब के हर कोई असला लेके घूम रहा है इतना जैसे जी टी ए चल रहा है रोड पे तरह से बिल्कुल ऐसे बच्चे बच्चे के हाथ में असला आपको असला चाहिए आप जाओ पार्टी में अपना नाम लिखवाओ आपको एक पिस्टल दे देगा वो ऐसे बिल्कुल ऐसे आपको गोलियां दे देगा आप जाओ बदमाशी करो सही 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 तो उस दौर में काफी इसलिए मसले हुए काफी लड़के पड़ गए सही दोस्त दोस्त यार काफी थे मेरे अल्लाह रहमत करे अभी भी कुछ हैं कुछ चले गए सही तो, तो खैर वो बड़ा खराब दौर गुजरा वो उसमें दिन मैं वो यूथ भी खराब हुई हाँ तो उसके बाद रिकवर करते करते अभी दोबारा देख लग तो रहेगा हालात ख़राब होंगे लेकिन अल्लाह ना अल्ला करे कि दोबारा वैसा दोहराए रहम करे ब्रो आपको भी देखना पड़े यार नहीं मैं मैं पिछले मैं जो था दो तक यहाँ पे था दो में चला गया था मैं <coughs> दो और दो से दो फिर सोलह दो में पी टी आ गए थे मेरे ख्याल में दो हजार अठारह में आए थे सॉरी तो ये बीच में हालात ख़राब थे वो मैं नहीं देखे लेकिन जब मैं था यहाँ पे तो बहुत खौफ था यार खौफ था बायदा खौफ इसलिए था ना लोगों ने देखा हुआ था हाँ तो उनको खौफ होगा क्यों नहीं होगा हाँ स्कूल के, स्कूल के टाइम में ना जैसे <coughs> या देखो, बच्चों का काम होता है लड़ना एक दूसरे से लड़ते हैं वो हमारा जैसे अगर किसी से फड्डा हो जाए तो फौरन से बोलता था मेरा एक कजन है एम में एम क्यू एम एम क्यू एम पोलिटिकल पार्टी है ना क्या मतलब एम क्यू एम में वो कोई वर्कर होता था जैसे आपने बात की कोई वर्कर होता था आ जाते थे बाइक्स पे हम जो है हमारी जो है हमने कोई बात बोल दी होती थी हमने बदतमीजी कर दी होती लेकिन यार बच्चे तो लड़ते हैं ना अब वो खड़े हुए बाहर हमारी हालत खराब और मैं डीएचए की बात कर रहा हूँ ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी और भी पार्टियाँ थी हाँ। ये भी हाँ। मसले थे कि किसका कहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा ही है, है ब्रो बिल्कुल आप ऐसा अभी एम के एम के इलाके में हो तो आप आगे पीपल्स पार्टी के इलाके में हो आपको कब पता नहीं आप कौन से झंडे के नीचे खड़े हो ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही तो एक जगह का मसला नहीं था नहीं ऐसा ही है क्या चाहिए पानी उस तरफ है पानी उसी तरफ ब्रो देखो बस बस ये ये कुछ गलतियाँ रही हमारी खैर अल्लाह रहम करेगा क्या बात कर, कर रहे थे हम ब्रो हम यही बात कर रहे थे कि लेकिन फिर आप ये देखो ना नबील दुनिया कैसी मतलब यह वक्त कैसा है ख़तरनाक है वही है एम क्यू एम जिसके नाम से हम बिल्कुल खौफ जदा होते थे मैं तो अभी भी खुद नहीं कुछ नहीं बोलता उनको किसी का कुछ पता नहीं है अल्लाह रहम करे लेकिन कॉमेडी शोज़ पर भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है ये कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ये देखू ये देख ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है ये वक्त भी देखूंगा कि अब जो है उनका ऐसे ना हाँ। कॉमेडी शोज पे टू बी ऑनेस्ट पे मजाक उड़ा रहे हैं मजाक मस, मस्ती हो रही है वो यार हाँ। क्या हो गया ब्रो क्या हो गया? क्या हो गया क्या बात कर रहे हो आप लोग अब ऐसा हम तो दुआ करते हैं कि ऐसा दोबारा कुछ हो ना ऐसा ही है सब खुश रहे हैं सुकून में ही कामयाबी है हम सबकी ना सुकून नहीं होगा तो काम कोई भी काम कैसे होगा और फिर आपके मेरे हमारे तो काम भी थोड़े निराले हैं <coughs> हमारे काम भी नॉर्मल नहीं है मतलब लग्जरी है ना टेक्निकली हम कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो है नहीं हमारे पास कोई पता नहीं कोई बॉटलिंग प्लांट होता है कोई पानी वानी बना रहे होते हैं हम तो वो तो ज़रूरत है वो तो कोई जायदाद ऐसा कुछ। दादा की हो। ऐसे, और या फिर ऐसा हो हाँ, या फिर वगैरह चाचा हो मेरा हाँ फिर सुकून से बैठो आप हाँ फिर मैं सोचूं क्या मसले हैं हाँ तो इस पर तो हमारे लिए तो ये सुकून और अमन बहुत बहुत लाजमी है बहुत अच्छा है ये रहे तो बेहतर है ये रहे तो बेहतर है रमजान कैसा गुजर रहा है रमज़ान अलहमद अच्छा गुजर रहा है हाँ रोज़े पूरे जा रहे हैं अल्लाह का शुक्र है अल्लाह नसीब करे इन शह हाँ। बस क्या करेगा रमजान में लिखाई चेंज होती है रमज़ान में लिखते हो मैंने अभी तक तो कुछ नहीं करा यार हाँ लेकिन वैसे पिछले रमजान थोड़ा बहुत मैंने काम करा है हाँ राइटिंग वाइटिंग हो जाती है रमजान में टाइम कम हो जाता है ना एक तरह से थोड़ा वक्त कम बचता है तो साही, इसलिए सही और ये नोटिस किया है कि रमजान में राइटिंग चेंज होती है बाकी दुनिया के बाकी दुनिया बाकी, बाकी, बाकी महीनों के क्या बात कर रहा है बस देखो रमज़ान में राइटिंग चेंज रमजान में नहीं है ऐसा करी नहीं है ना मैंने इतनी रमज़ान में इतना टाइम मैंने दिया नहीं है तो मैं सवाल का सही जवाब नहीं दे पाऊँगा सही अगले सवाल पे चलते हैं अगले सवाल पे प्रो मेरे पास अभी जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मेरे भी लिखे तो नहीं हुए जैसे जैसे आते जाएंगे। हाँ, सोचते हैं इस मौजू पर <laughs> क्या टाइम हो रहा है क्या कल होगा वह काम दैर हो गए कर लेंगे हम फंस गया क्या करें मसले बहुत हैं जिंदगी में एडजस्ट कर लेंगे हम अल्लाह खैर करेगा ब्रो अल्लाह खैर करेगा आप चारे? कुछ सोच रहे थे ब्रो नहीं मैं तो ये सोच रहा था कि बस करें चैनल करे एक मिनट नहीं पहले नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप मुझे स्पॉटिफाई पे क्या है स्पॉटिफाई पे नबील अकबर यूट्यूब नबील अकबर और इंस्टाग्राम भी नबील अकबर यह और आपको जो है मर्च बना रहे हो मर्च अच्छा आइडिया दिया आप होना चाहिए ना मर्च तो आपका मर्च। जे का भी नहीं है आपका भी नहीं है यही है ना काफी चीजें नहीं है यहाँ पे काफ़ी टेबल नहीं है यार ये ये टेबल टेबल है गले पड़ गई वाली तो इतनी बड़ी-बड़ी हाँ कैसे होंगी आप भी देखिएगा मैं मर्ज इन एक लॉन्च कर दूंगा किसी अच्छे टाइम अल्लाह क्या करेगा अभी भी अच्छा टाइम नहीं अभी अभी तो रात का टाइम है ना तो हाँ दुकान हाँ, बंद होंगी रात तो अच्छा ही टाइम होता है ब्रो नहीं लोग सो भी रहे होते हैं कुछ बे, लोगों का क्या है ब्रो लोग सुबह में सोते हैं रात में सोते हैं बस हम काम कर लेंगे उन जब वो जागेंगे बाकी काम वो कर लेंगे हाँ वो उनका जल्द अल्द जितना होगा हाँ कर लेंगे मर्जी आपको मैं खास आपका घर देख लिया आपको मैं सैंपल भेजा थैंक यू ब्रो ये ये मैं इंतजार करूंगा इस चीज़ पे आप खाना बदोश लेबल हम्म वो भी स्टार्ट करना है आप लोगों ने हाँ वो आप प्लीज आप लोगों से बात कर लेना आपने मैं एनシャル में इस मौजूबे बात कर रहा पार्टी से अपनी पार्टी से <laughs> प्लीज आप बात कर लेना आप मैं टेबल मैं देखता हूँ टेबल को मैं देखता हूँ टेबल को और होमवर्क को एश 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 ब्रो और कोई सवाल आपका ब्रो अभी तो यही है बस फिर नहीं नहीं तेरी खैर इस्तेआम पे चलें इख़्तिताम क्या होता है हैप्पी एंडिंग नाइस सही है ब्रो आ, हाँ ब्रो अभी कोई भी नहीं आ रहा दिमाग में आपने मेरे कौन कौन से गाने सुने उलझन बस आ, ये दूसरा मैंने क्या अब ब्रो के नाम भी नहीं आएंगे ना वो, वो वाला वही वाला बात कर रहा है तलाश।, तलाश और फिर आप तीन तो आपने भी सुना दिया मुझे ओहो हाँ चले ऐसे ऐसे कोई फैंस वैसे ऐसे कोई फैंस मिलते हैं आपको जिन्होंने सब सुने हुए होते तो होते हैं अच्छा आ, मैं क्या हूं? मैं कैजुअल फैन उन्होंने के साथ कोई नहीं।, <laughs> नहीं लेकिन उन्होंने सारे सुने हुए होते हैं रिलेट भी करते हैं सब आ, कुछ वहाँ मुझे जो है ना ये, ये ये फील होता है कि आप लोगों की जो फॉलोइंग है ना जैसे मैं किसी बात कर रहा था आ, मेरी तरह का थोड़ा इंग्लिश मीडियम टाइप आदमी था तो मैंने बोला यार मतलब बाई एसोसिएशन आपकी बात हुई मैंने बोला यार जे का गाना सुन ये अभी मशहूर नहीं क्या गाना है क्या शायरी है मज़ा आ गया अच्छा ना वो बंदा कॉन्स्टेंटली कंपेयर करे अबे नहीं छोड़ यार मानू के गाने सुनते हैं मैं ब्रो मानू भी अच्छा है मा, मानू mm. आपने नहीं सुना मानू सुना मानू मज़ेदार है ना लेकिन मैंने बोला कि ये ये कंपेरिजन करने की क्या ज़रूरत है लेकिन मैं वही फील करता हूँ कि आप लोगों की फॉलोइंग स्ट्रॉग है और आप लोगों की फॉलोइंग लॉयल है ये इस क्यों लगता है आपको क्योंकि वो उनको आपकी कहानी पता है और वो हर चीज़ से रिलेट करते हैं इसलिए इसलिए हाँ इसलिए फॉलोइंग स्ट्रॉ है आपकी चल नबील दिस वॉज वेरी गुड आई एम वेरी हैप्पी कि आप आए और आपका बहुत मैं शुक्र गुजार हूँ शुक्रगुजार मैं भी आपसे मिलकर <laughs> बहुत खुश हुआ थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बस टेबल होती थी आपसे दोबारा मुलाकात होगी इनशाला ब्रो आपको जब मूड हो आप मुझे मैसेज करो आप आ जाओ क्योंकि मैं ये आपको बताता चलूँ ये मैं आप

चले नवील अकबर काजी अकबर अल्लाम